سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا आमीन अमीन सुन असल सारी बहनों को एक दफ़ा फिर से दौरे ट्वेंटी खुश आमदी एक दफ़ा फिर से अल्लाह रबीन का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक द... फिर दोबारा से मौका दिया कि हम सेहत के साथ आफियत के साथ और उसी जज्बे के साथ इस कुरान के साथ जुड़ें अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना हमारा बैठना हमारा सुनना इस आ, 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 हमारे हक़ में कबूल फरमा ले और हमें इस पर अमल करने की तोफ़ी क़ता फरमाए आमीन सुमीन तो अजीज साथियों हम सुर इमरान पढ़ रहे थे और हमने आया नंबर 53 तक कर लिया था और आया नंबर 53 एक इंतहाई से ज़्यादा अहम आयात आया है जिसमें हमने हज़रत ईसा हमनेतसीम के हवाले से हमने पढ़ा था कि बहुत एक मुश्किल वक्त था थाजरत गर्जा हजरत ईसीम की पैदाइश और उनको जो अल्लाह ताला ने मोजात अता फरमाए थे वो इतने रिमार्केबल इतने डिफरेंट और इतने अमेजिंग थे अपने वक्त के जो भी उनके टेक्नोलॉजीज़ और सारे जो भी टेक्नोलॉजी थे उस से लेकिन जिन्होंने नहीं मानना होता हम ये कुरान में पढ़ते आ रहे हैं कि वो उन सारी मौजूदों को उन्होंने बिल्कुल कोई खातिर नहीं लाए बल्कि हजरत मूसा के खिलाफ ही सब खड़े हो गए तो ऐसे वक्त में हजरत मूसा ने फिर जो उस माशरे का सोले अंसर था उसको अल्लाह के दीन की तरफ दावत दी और दावत देने का जो आ, अंदाज था वो इंतहाई खूबसूरत था बहुत ब्यूटिफुल्लाह के, के मददगार बन जाओ और ये एक बड़ी अहम बात है कि हर दाए दीन के लिए ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम इस बात को अपने दिल में बिठा लें कि दरअसल हम लोगों को जब अल्लाह की तरफ अल्लाह के दीन की तरफ दावत देते हैं तो वो दरअसल अल्लाह की तरफ दावत होती है हम अपनी ज़ात की तरफ नहीं बुला रहे होते तो बहरहाल उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और इतना खूबसूरत एक मौका फराम किया कि अल्लाह के, अल्ला के मददगार हम सबको बताया अल्लाह ताला को तो किसी मददगार की जरूरत है ही नहीं ये एक्चुअली मेरी और आपकी एक प्रिविलेज है और हमने फिर ये देखा कि इतनी खूबसूरत पुकार थी जो मुखल मुसलमान थे उस वक्त के उन्होंने फौरन लब बैक कहा और एक बहुत प्यारी सी बात है मुफसिरी ने लिखी कि उन्होंने कहा मन अनसौरी अला और जो उनका जवाब था वो ये था नहरू अनसौर तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने इला जो है ना उसको भी निकाल दिया और वो इतने लपक कर फौरी रिस्पांस वो इतने मुखलस थे इतने अल्लाह के साथ सच्चे थे वो मुसलमान के उन्होंने फौरी तौर पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हम हैं अल्लाह के मददगार और बहुत खुशी और जज्बे के साथ अब जो अहम बात है वो हमारे और आपके लिए है कि ये पुकार आज मेरे और आपके साथ अल्लाह ताला ने इस कुरान में अगर हमारे लिए ये सारा वाकया मेंशन किया है तो खुद हमारे लिए भी ये पुकार आज मौजूद है और हम ये पीछे पढ़ते आए हैं कि अल्लाह ताला जो है जिनके पास अल्लाह का दीन हो अगर उस दीन को छुपाते हैं तो जैसे कि यहूदी थे तो अल्लाह ताला ने जो है वो कतमान हक कतमानकमान दीन की हमने बात पढ़ी थी कि फिर अल्लाह ताला उनसे कितने नाराज हुए तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है जो तो मुझे और आपको अल्लाह ताला ने जो पुकार है कि अल्लाह का दीन इस वक्त उसको हमारी जरूरत है हमारी सलाहियतों की हमारे वक्त की और हमारे माल की तो क्या हम इस जिम्मेदारी पर अदा करने के लिए और इस आवाज पर लब्बैक करने के लिए तैयार हैं? या नहीं है ये एक मेरा और आपसे एक अहम सवाल है और जितना क़ुरान हमने पढ़ा है हम अल्लाह रब्लम की मोहब्बत से लबरेज़ है हम अल्लाह की अदाद के लिए कुल्ली तौर पर तैयार है तो मुझे उम्मीद है कि हम सारी बहनें जो हैं वो इस वक्त वो रस्ते ढूंढ रही होंगी कि किस तरह हम अल्लाह रब्लम की इस पुकार पर लबैक लब कहें एक बात जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है बाजार बहने जो हैं वो ये सोचती हैं कि हम अल्लाह के दिन के काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें बोलना नहीं बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि हम इतना अच्छा बोल नहीं सकते हमें इतना कुरान की समझ नहीं है या मैंने इतना फिक्र नहीं पड़ा हुआ मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है अच्छी बहन के अः आप, आपने सुना है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स है हाँ ना तो कोई बात नहीं अगर हम बोल नहीं सकते या हमें हमें बहुत ज्यादा तकरीरें करनी नहीं आती लेकिन हमारा जो अमल है वो हमें हमें हमारे लिए बहुत इजी मौका है लोगों तक अल्लाह की बात पहुंचाने का स्पेशली जब हम वेस्ट में रह रहे हैं लेकिन बस करने की जरूरत है काम करने की जरूरत है बोलने की तो वैसे भी कमी जरूरत होती है असल में तो काम करना है तो अल्लाह रबुलमी हम सब को ये मौका दे इसी तरह से यहाँ पर मैं चाहूंगी मेंशन करना एक सिस्टर्स को कि हमारी जो जो एक सिस्टर्स ये खुवान की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुकम्मल तौर मकसद यही है कि हम अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाएं और अल्लाह के दीन टू इनवाइट पीपल टू वर्ड इस्लाम तो अल्लाह की तरफ बुलाने का हमारा काम है और मैं आप सबको दावत देती हूँ कि अगर आप किसी इसी तरह किसी फोरम की और किसी ऐसे मौके की तलाश में है तो इनशा सिस्टर्स का ये फोरम आपके लिए एक बेहतरीन फोरम है अल्लाह की इस पुकार को लबैक कहने का इनशा um, आगे चलते हैं फिर हजरत ईसा का ने अपने गेट कुछ साल अंसर जमा तो कर लिए थे और हम ये सुन हम ये तारीख की किताबों में पढ़ते हैं कि वो बहुत कुछ लोग थे और उन कुछ लोगों में से भी हजरत ईसा के जो बहुत क्लोज साथी थे वो तकरीबन बारह उनका नाम आता है इनको बारी बारह हवारी हजरत ईसा के कहते हैं तो ये तो हजरत ईसा अपना काम अल्लाह के दीन का कर रहे थे लेकिन जो अल्लाह के दीन के दुश्मन थे जो हजरत ईसा के दुश्मन थे वो क्या कर रहे थे बनी इस फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आया नंबर फोर यहाँ पर रुकू नंबर पांच का अख्ताम और हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि फिर बनी इसराइल मसीह मसीम के खिलाफ खुफिया तदबीरें करने लगे और जवाब में अल्लाह ने भी अपनी खुफिया तदबीर की और ऐसी तदबीरों में अल्लाह थिल् सबसे बढ़कर है और खुफिया क्या करने लगे और आप इसको पढ़ें और आप हैरत से आपकी आंखें खुल जाती हैं कि अल्लाह का नबी और वो इतना जिंदगी मतलब उनका जो अपना ज़ाती कैरेक्टर था इतना उस बुराई के जंगल में इंतहाई सौले नेक और पॉजिटिव पर्सनालिटी और उसके बावजूद जो कीना पर लोग हैं और अफसोसनाक बात जो मुझे सबसे ज्यादा मुझे दिल दुखता है इस बात पे कि वो दरअसल वो लोग थे जो कि खुद दीन के दावेदार थे वो खुद दीन के यहूदी जो दीन था उसके उसके फुकहा और उसके काहिन बैठ कर हजरत मूसात ईसा के, के खिलाफ साजिशें करते हैं और साजिशें इस अंदाज में कि आवाम को भड़काया जाता है उनके खिलाफ के मतलब सोच के यकीन नहीं आता कि हजरत ईसा के बारे में कहा जाता है कि ये तो जो दीन की थी और जो का एहतराम था वो तो इन्होंने खत्म कर दिया और ये उलमा की फतवों की चूंकि इनकार करते हैं उनकी तोहिन करते हैं तो लिहाजा वो मुर्ते हैं और दूसरी तरफ इन्होंने खुद ही वही जो सो कॉल दीनदार लोग थे उन्होंने जो वहां का रोमी गवर्नर था जो कि खुद पेगन मुशरिक था वो और उससे जाकर उसको भड़काया ईसा सलाम आपके निजाम की बात के खिलाफ बात करते हैं जो आपने टैक्सेस पे किए उसके खिलाफ वो लोगों को उकसाते हैं तो इस तरह गठजोड़ कर कर उन्होंने एक इंतहाई से ज्यादा अः दबाव की जिसको कहते हैं खूब सारी साजिशें की उन्होंने और आवाम में भी हजरत ईसा सलाम के खिलाफ एक माहौल क्रिएट किया और हुकूमत को साथ-साथ मिलाकर सलाम के हवाले से इंतहाई संगीन सजा क्रोसीफिकेशन की कि उनको सलीब पे जाके चढ़ा दिया जाए कि उनको सजा उनके लिए मंजूर कराई और ये काम अल्लाह अल्लाहबीन माफ करे कि ये अम, उन दीनदार लोगों का काम था और Uh, बड़ी एक तकलीफ दे सूरत हाल हम इसमें पढ़ते हैं तफासिर में कि हजरत ईसा सलाम को जो फांसी दी गई है तो अः uh, उसका तरीका ये उन्होंने इख्तियार किया कि एक बहुत बड़ा मजबूत था एक बड़ा जश्न का दिन था जहाँ पर सारे लोग मौजूद थे और लोग बड़े खुश थे और जश्न मना रहे थे और वहा अवाम के सामने दो लोगों को पेश किया गया एक डाकू जो कि बहुत जालिम था और लोगों को इतना नुकसान पहुँचाने वाला था बर्रा उसका नाम था और साथ में हजरत ईसा सलाम को पेश किया गया और लोगों से कहा गया कि अच्छा आप लोग चूज कर लेंगे कि किस एक को इस खुशी के दिन पर सजा दी जाए और किसी एक को जो है वो रिहाई दे दी जाए तो सुन के दिल रोता है कि वो इतना खतरनाक प्रोपेगेंडा था और इतना मजबूत साजिशें करने वालों ने साजिशें की थी कि पूरा मजमा जो था अपनी खुशी के दिन जो है हज़रत को के हवाले से अनाउंस कर देता है कि जी इनको सजा सोच के दिल दुख जाता है कि क्या कभी किसी नबी पर भी ऐसा वक्त आ सकता है तो ये देखा जाए तो बड़ी जबरदस्त कस्म की अंदर ही अंदर क्या उन्होंने साजिशें की थी के एक इतना खौफनाक सिनेरियो क्रिएट हो गया लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान तो अपनी साजिशें करते हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो मामला है वो बहुत मुख्तलिफ है अल्लाह की साजिशों को तो अल्लाह ताला का जो हैं इनफैक्ट साजिशें नहीं कहना चाहिए अल्लाह की जो चाले मुकर जो अल्लाह का जो प्लान है खुफिया प्लान उसके बारे में तो किसी को अंदाजा नहीं था अल्लाह ताला ने क्या किया अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अल्लाह की खुफिया तदबीर ही थी कि जब उसने कहा कि ए ईसा अब मैं तुझे वापस ले लूंगा और तुझको अपनी तरफ उठा लूंगा तो हजरत ईसा के हवाले से अल्लाह ताला का क्या प्लान था कि अल्लाह ताला ने इसके लिए ती का ठीक है तो इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने उनको पूरा यहाँ पर जो वफात या वर्ड है इसका जो रूट वर्ड है वो वफा से निकला है और इसका मतलब होता है पूरा का पूरा तो अम, अ, 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 मुफसरीन इस बात को यू एक्सप्लेन करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको एज इट इज जिंदा सलामत आसमानों की तरफ़ अल्लाह अल्लाह ताला ताला ने ने आगे कहा कि उनको में और हिस्ट्री में वो ही उनका, उनकी साजिश थी यहूदियों की हजरत ईसा के एक जो हवारी था उसको उन्होंने पैसों के जरिए थर्टी पैनी के थ्रू जो खयानत करने पर जो है वो राजी किया और उसने उनको लोकेट कराया जबकि हजरत ईसी छुपे हुए थे उसने उनको लोकेट कराया लेकिन अल्लाह ने अपनी चाल ये चली कि वही शख्स जिसने मुनाफिकत की थी अल्लाह ताला ने उसके चेहरे को बदल दिया और पकड़ने वाले समझे कि ये खुद ही हजरत ईसा सलाम है और बहरहाल इसमें मुख्तलि रवायात है कि उसी को फिर आखिरकार कुर्सिफा कर दिया गया तो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चाल किसी के आ, किसी के गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी लेकिन अल्लाह ताला की एक कि ऐसी चाल थी अल्लाह ताला का ये ऐसा प्लान था अल्लाह ताला ने ऐसे किया और दूसरी तरफ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्होंने तेरा इनकार किया वो उनको भी नहीं अल्लाह ने छोड़ा उनसे उनकी मईत से और उनके गुना के माहौल में उनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूंगा तो अल्लाह ताला उनको एज इट इज उठा के ले गए उनकी गंदगी से उनकी नफरतों से और फिर क्या किया और जो तेरी पैरवी करने वालों को क्यामत तक उन लोगों पर बालादस्त रखूंगा जिन्होंने तेरा इनकार किया ठीक है तो इसा का इनकार करने वाले कौन थे यहूदी ठीक है जो कि खुद को सोख और मुस्लिम्स थे और अल्लाह ताला ने ये अनाउंस कर दिया कि आज के बाद इतनी ज्यादा तो तुमने जो तोहहीन की है बेतौकी की है एक नबी नबी की तो अब तुम्हें कभी भी बालादस्ती नहीं मिलेगी और बालती किसको मिलेगी ईसाइयों को जो कि उनके पैरों को आ रहे और उसमें मुफसरीन कहते हैं कि वो ईसाई भी हैं और ऑफ कोर्स मुसलमान भी है तो आप ये देखिए कि हम ये पढ़ते हैं ये बताते हैं कि हजरत ईसा के आसमानों पर उठाए जाने के सिर्फ चालीस साल के बाद ही टाइटस रूमी के हाथों एक बहुत बड़ा अम्म क्या कहना चाहिए अः लश्कर लेकर आया वो और उसने आपके हक सलेमानी को पूरी तरह मसमार कर दिया और एक सिर्फ जला दिया और तोड़ दिया और फोड़ दिया उनके दीन के तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया सिर्फ एक छोटा सा एक दीवार गिरिया जो है वो अभी मौजूद है उसका एक हिस्सा दीवार का कि जिसपे जाके यहूदी रोया करते हैं तो अल्लाह ताला ने उनको सब, बिल्कुल बुरी तरह से ख़त्म कर दिया और वो टुकड़ियों में बैठ के पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ जाके अमान और पना के लिए वो जाके छुप गए क्योंकि फिर उनको उस मुकाम पर पनाह नहीं मिली जहाँ पर उन्होंने नबी एक अल्लाह के इतने महबूब नबी को बेतौकीर किया था और आज भी हमें ये नजर आता है कि हमें यहूदी जो है वो साजिशें तो करते हैं अपनी तबीयत तो और अपने फितरत के एतबार से लेकिन बहरहाल बालादस्ती जो है वो जो कुछ भी करते हैं वो अंडर द कवर ऑफ ये जो दूसरी ताकतें हैं दूसरी फेद के लोग हैं चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुश्किन हो उनका नाम ऊपर होता है यहाँ तक जो हमें पता है कि जो इसराइली स्टेट है उसको भी सपोर्ट कौन लोग करें बहरहाल फिर, हैं कि फिर तुम सब को मेरे पास आना है उस वक्त में उन बातों का फैसला कर दूंगा इख्त हुआ है, जिन और की की है उन्हें दुनिया और आखिर दोनों में सख्त सजा दूंगा और वो कोई मददगार नहीं पाएंगे और जिन्होंने ईमान और नकमली का रिश्ता इख्तियार किया है उनके अजर पूरे पूरे दिए जाएंगे और खूब जान लो किमों कि से अल्लाह हर गेज नहीं करता ठीक है और आप देखिए कि अल्लाह ताला की नाराजगी जो वो हमें इन आयत में नजर आती है ये बहुत बड़ा उनका एक जुर्म था कि अल्लाह के पैगंबर की इस तरह से बेतौकीरी करना और दूसरी बात क्या है कि आप देखिए कि जहां ईमान का नाम आ रहा है अमल का नाम आ रहा है ये आयात और हमत से लबरेज तस्कर हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं अल्लाह के नई ईसा की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने उसे मट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा और वो हो जाता है ठीक है अब ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है अल्लाह ताली फरमाते हैं कि जो क़ुरान की आयात है ना इनमें बहुत निशानियाँ हैं और बहुत हमतें हैं ठीक है तो गौर करने वाले जब गौर करते हैं तो उनके आगे आ, आ, बड़े बड़े मजामीन और बड़े बड़े, बड़े मौजू खोल जाते हैं एक मिसाल अल्लाह ताला ने क्या दी कि तुम तो ईसा की इसलिए उनको खुदा मानना शुरू कर दिया कि क्योंकि तुम्हें लगा कि उनकी जो बर्थ थी वो बहुत अनयूजअल थी विदाउट एनी any... फादर बोर्न होना और उसमें एक मेल एलिमेंट नहीं था ना लेकिन अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि आदम सलाम की मिसाल तो इससे भी ज्यादा आदम सलाम के लिए तो ना फादर थे ना मदर थे हजरत ईसा के बारे में आता है कि भाई माँ के पेट में नौ मही नाइन तो उन्होंने गुजारे और वो उसी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट से गुजरे लेकिन आदम सलाम की पढ़ा जो पैदाइश थी वो तो उससे और भी अनयूजल थी कि अल्लाह ताला ने कैसे उन्हें किस तरह से तकलीफ किया इससे पहले हम तो याह के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह एक बिल्कुल स्ट्राइल फिर कपल से एक बेबी का बॉर्न होना तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि किसी ये बुनियाद ये नहीं है किसी की कोई अनयूजुअल इंसिडेंट देखा और हम उससे मुतासर हो गए और हमने उसको एक बहुत बड़ा बना लिया असल में तो ये अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ डायरेक्ट करती है कि अल्लाह की कुदरत है अल्लाह ताला जैसे चाहे इंसान को तखलीक कर दे तो लिहाजा अल्लाह को जुण से जुड़ना और उसकी अतात जैसे उसने हुक्म दिया है वैसे वैसे करते चले जाए अल्लाह फरमाते हैं कि ये असल हकीकत है जो तुम्हारे रब की तरफ से बताई जा रही है और तुम उन लोगों में शामिल नहीं होना ठीक है ना तो अल्लाह आयत में शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है हो सकता है कि मुझे कुछ बातें किसी वक्त बात ना समझ आए थोड़ी देर में समझ आ जाए बाद में लेकिन यह दस लोग दस बातों की दस लॉजिक लेकिन जो बात अल्लाह ने जैसे समझाई है एज अ मुसलमान हमें उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है उसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है तो ईसाइलों ने जो भी फसाना बनाया है उनको करने दो उन पर यकीन करने की जरूरत नहीं है अच्छा यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो सारे डायलॉग्स थे अल्लाह ताला के हो रहे थे वो वफद नजरान के साथ थे जो, जो कि बाकायदा नबी करीम से आखिर उन्होंने बात की उन्हें मुबास किया और अपने दीन को सही साबित करने की कोशिश और वो सारा एक जो मामला हमने पड़ा था तो फिर आगे लता फरमाते हैं ये इल्म आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे तो ए बच्चों को भी ले आए और खुदा और हकीकत यह है कि के सिवा कोई खुदाबंद नहीं है और वो अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बाला और जिसकी हमत निज़ाम आलम में फरमा है बस अगर ये लोग इस चर्द पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़े तो उनका मुकसद होना साफ खुल जाएगा और अल्लाह तो मकसदों के हाल से है और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मुबाहिला इसको कहते हैं एक ऐसा मामला कि जब दावा के बिल्कुल आखिरी स्टेज में नबी करीम की जिंदगी में भी सिर्फ ये एक ही दफ़ा का एक इंसिडेंट है कि जिसमें जब हमने बताया कि फतेह मक्का के बाद जब नजरान के वफ्द आया और तीन चार दिन तक वह वो नबी करीम से मुबाहिसा करते रहे नबी करीम ने अल्लाह ताली की बताई हुई तमाम आयात उनके सामने रखी और उसकीदे को सही करने के लिए जब तमाम हकाइक बिल्कुल सामने आ गए और वो मानने को तैयार नहीं हुए तो बिल्कुल आखिरी स्टेप के तौर पर अल्लाह ताली ने कहा यह मुबाह है और उससे पहले भी हुआ करता था लेकिन नबी करीम ने सिर्फ एक दफ़ा ये क्या कि ठीक है अगर तुम ये समझते हो कि तुम अपनी बात में बिल्कुल ठीक हो तो आओ फिर हम सब मैदान में जमा होते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे जो गलत होगा वो अल्लाह की तरफ से उन उन पर अहर नाजिल होगा लेकिन आपको पता है कि ये जो जब ये नबी करीम ने ये ऑफर की तो जो जो पूरा वफ़ था उनको चूंकि पता था कि वो गलत है तो उन्होंने नबी करीम की ऑफर कबूल नहीं की और बस वो यहीं से फिर बात उन्होंने खत्म करके वो पलट गए और जजिया देकर राजी रहने पर राजी हो गए और हम इस नजरान के जो वफ़ था उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब ये अः ने बहुत सारे वाक़ बयान किए हैं कि जब ये नबी करीम सलम से, से मिलने आ रहे थे तो उनके बड़े बड़े सरदारों के दरमियान जो मकालमा हुआ है दो भाई अलकमा और अबू बनु हारसा के वो एक दूसरे से यही मुकालमा कहते हैं उसका कंक्लूजन यही है कि वो कहते हैं कि हमें पता तो है लेकिन हम इनको मानेंगे नहीं और ये मुकालमा इसी तरह के कुछ ना कुछ मुकाल हम पहले भी पढ़ते आए हैं तो असल में मामला जो था वो हक में कोई कंफ्यूजन या शक का था भी नहीं मामला ये होता है कि इंसान उसको मानना नहीं चाह रहा होता एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा होता कहो एहल ईमान अब हम आ रहे हैं आयत नंबर 64 कहो ए एहल किताब आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान है। है? ये एक इंतहाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है और ये बहुत प्यारी अल्लाह की बड़ी रहमत है और अल्लाह अल्लाह ताला हमें खुद सिखाते हैं और मैं ये बात सोच रही थी कि हम दावा का काम करते हुए हमें थोड़ा डर लगता है कि हमें आता नहीं हम क्या करेंगे हम एक दफा इरादा करें तो खुद हमत अल्लाह सिखाते हैं तो अल्लाह तला हमत सिखा रहे हैं कि बात कहाँ से स्टार्ट करनी है कॉमन चीजों पर आओ ठीक है तो दावा का ये बेहतरीन असूल है इवन दिलों को जोड़ने का भी यही उसूल है कि हम इख्त को लेते हैं और उसको पीटते चले जाते हैं और उसको फेंकते चले जाते हैं उसके मुकाबले में क्या करना है यकसा चीजों की तरफ आए तो यकसा क्या है तमाम मजाहब में ये हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब ना बना ले इस दावत को कबूल करने से अगर वो मुंह मोड़े तो साफ कह दो कि गवाह रहो हम तो मुस्लिम सिर्फ अल्लाह की बंदगी और अतायद करने वाले हैं ठीक है तो अल्लाह ताला ने कहा कि कॉमन चीजों पे बुलाओ और ये चीज हर में मुश्... हर हर अकीदे में मुश्तर है चाहे वो यहूदी थे चाहे वो ईसाई थे इवन हम ये हर, हर जगह पढ़कर आते रहे कि एक अल्लाह का जो क्रिएटर होने का जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम फेथ में कॉमन है जहां पे मसला और प्रॉब्लम शुरू होता है वो है रब बनाने की बात ठीक है ना कि बात किसकी मानी जाएगी और यहाँ पर भी आ है कि जो अल्लाह ताला ने कहा कि कोई अल्लाह को अपना रब ना बनाओ तो इसमें हमने वाकपन में पढ़े हैं तो उनके ये बेटे वो थे वो ईसाई थे वो मुसलमान गए उन्होंने नबी करीम से आगे कहा कि नबी करीम से हम तो अल्लाह के किसी को रब नहीं बनाते तो नबी करीम से ने फरमाया कि जो तुम्हारे हैं जो तुम्हारे दीनदार उलमा हैं क्या तुम उनकी अहकाम को कबूल उसी तरह नहीं करते उनकी राय को उसी तरह एतबार नहीं देते अल्लाह से ज्यादा उनकी राय को प्रेफर करना तो ये भी एक अंदाज है आ, उनको रब बनाने का तो ये काम तुमने बहरहाल नहीं करना होगा तो फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला हमें ये इस, इस सारी आयत में अल्लाह ने हमें ये सिखाया है कि हम कॉमन चीजों की तरफ आए और इनशाला है जिसके जरिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं और मकसद भी यही है कि हम लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ते किताब तो तुम इब्राहिम के बारे में हमसे क्यों झगड़ा करते हो तोरात और अंजील तो इब्राहिम के बाद ही नाजिल हुई है फिर क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते तुम लोग जिन चीजों का इल्म रखते हो उनमें तो खूब बहसें कर चुके हो अब उन मामला में बहस क्यों करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी इल्म नहीं है अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते और हमें ये बात समझ आ रही है कि यहाँ क्या बात हो रही है। हर जो थी हर जो कौम थी हर जो मजहब है वो ये क्लेम करता था कि भाई इब्राहिम हमारे हैं और बड़े मजे की बात है कि क़रीम किसम के बारे में सबको यही ख्याल था कि ये तो दीन इब्राहिमी से हटके कोई बात कर रहे हैं और ये कोई नया दीन उठा के ले आए हैं और इब्रा जैसे आपको पता है मुश्किन मक्का खान काबा जो उनके पास था वो उनको पूरा अच्छी तरह उस पर उनका उनके दिलों की तसली थी इस बात पे कन्विक्शन था कि वो इब्राहिम के उनके लीनियज में से हैं तो वो उनको टेक केयर करे इसी तरह यहूदी और इसी तरह ईसाई थे और बल्कि नबी करीम के हवाले से उनको लगता था कि ये तो दीन इब्राहिम से कोई हट की कोई नई चीज़ आई है तो अल्लाह ताला उनकी इस गलत को दूर कर रहे हैं कि तुमने जिन बातों में बहस करनी तो तुमने कर ली तो पता ही नहीं है अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इब्राहिम ना यहूदी था ना ईसाई बल्कि वो तो एक मुस्लिम यक्सू था और वो हर मुशरिकों में से नहीं था इब्राहिम से निस्बत रखने का सबसे ज्यादा हक हाँ अगर किसी को पहुंचता है तो उन लोगों को जिन्होंने उसकी पैरवी की इसको हम अंडरलाइन करें हमने ये पढ़ लिया हम इब्राहिम का जिस मोहब्बत सेबी तस्करा करते रहे हैं और यहाँ पर अल्लाह वो यक्सु हनीफा हजरत इब्राहिम और तुम लोगों की तरह डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे खुदा किसी एक को बनाते हैं अता किसी और की करते मांगते किसी और से झुकते किसी और के आगे खुशी किसी और की मकसूद होती है नहीं बिल्कुल फोकस उन्हीं की अतात उन्हीं की खुशी उन्हीं की रजा उन्हीं के लिए मेहनत उन्हीं के लिए भागम दौड़ी तो ये थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मुशरिकों वाला उनका कोई भी तर्ज अमल नहीं था और अगर इन अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी लोग हैं उनमें से अगर कोई निस्बत रख सकता है जो दावा कर सकता है तो वो कौन उनसे निस्बत का दावा किस बुनियाद पे होगा उनकी अताअत की बुनियाद पर उनकी इत्तबा की बुनियाद पर होगा इस आयत को इस को मुझे और आपको भी याद रखना है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब ये और इसके मानने वाले इस नज़बत के है। ठीक है? तो इब्राहीम की जो थी उनकी, उनकी जिंदगी थी उनकी उनकी जिंदगी में हमें नजर आता है कि जो आजमाइश आई उसमें समय वा है ना अपनी पूरी फैमिली को लगा दिया आप जरा तस्वुर कीजिए हजर एक पूरे जब जब वहां से निकले थे इराक से निकले थे तो सिर्फ एक साथ में एक बीवी थी और अपने एक भतीजा हज़रत हजरतलूतम से साथ निकले और रस्ते में जब सोडोम और घनोरा के पास से गुजरे वहां इतने हालात नजर आए तो उनको भी वहां भतीजे को भी वहां छोड़ दिया इतनी दूर दूर का सफर करना और वहां छोड़ छोड़कर फिर आगे निकलते हैं फलस्तीन जाते हैं और फिर फलस्तीन से अपने उस वाइफ को लेकर मिस्र की सिविलाइजेशन तक जाते हैं फिर नजर आता है कि चलो अल्लाह का हुक्म आता है कि जो छोटा बच्चा बोर्न हुआ है उसको जाके मक्का छोड़ाओ तो उनको वहां तो अपनी पूरी फैमिली अपनी जिंदगी का हर वक्त वो सब उन्होंने उनके लिए किसके लिए लगाया अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए लोगों को अल्लाह से जोड़ने के लिए तो ये थी अजर इब्राहिम की लेगेसी तो जो इब्राहिम से अपनी चाहता है उसको इस की इत्तबा करनी होगी हम बहुत मोहब्बत से हर नमाज में इब्राहिम से दुरूद भेजते दुरूद हैं कि अल्लाह ताला सलाम और उनके अहल पर बरकतें और सलात नाज़िल करें हम इब्राहिम की इतबा का हम पर भी हक है हम पर भी फर्ज है इनफैक्ट कि हम उनकी इतबा करें ने तो कहा है, तुम करते हो, कि, right to, uh, to कि वो हमारे हैं लेकिन बैज है uh, है लगा बैज हमें मिलेगा उनका रिलेशनशिप उनका नाम जैसे हम सैयद बड़े शौक से लगाते हैं तो वो जो टाइटल इब्राहिमी का टाइटल मिलेगा वो उनकी इतबा करने से मिलेगा और नबी नबी करीब ने यह अदा किया है ना इसीलिए आप नमाज में पहले नबीम को हैं। और हम हमारा अब ये काम है कि हम अब्राहिम और अपने के, के करते और उनकी को आगे के चले अल्लाह तहते हैं अल्लाह उन इन्ही का हामो मददगार है उन्ही का हामी मददगार है जो ईमान रहते हैं ईमान लाने वालों एल ए किताब में से एक गिरोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हे राहराज से हटा दे हालांकि दर हकीकत वो अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे मगर उन्हें उसका शहूर नहीं है इंसान मतलब को कह रहे हैं झंझोड़ रहे नीब से जिंदगी साहब की जिंदगी तुमने इतने करीब से उनका मुशाह कर लिया अल्लाह की आयात को तुमने देख लिया तुम्हारे दिल गवाही देते हैं कि कितनी सच्ची और कितनी अच्छी बात है फिर भी तुम तो अल्लाह की आयत से इनकार तक फिर उसको पीछे जोड़ देते हो और एल किताब क्यों हक हाँ को बातिल का रंग चढ़ाकर मुश्तबा कर, करते हो क्यों जानते बूझते हक़ हाँ को छुपाते हो पहले किताब में से एक गिरोह कहता है कि ए नबी इस नबी के मानने वालों पर जो कुछ नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इससे इनकार कर दो शायद इस तरकीब से ये लोग अपने ईमान से फिर जाएं और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि यहूदी जो थे वो साजिशी थे तो उन्होंने ये एक बड़ी सोची समझी समझी साजिश की क्या करते थे कि हमने ये देखा अः हम वाक पढ़ते कि जो लोग ईमान लेकर आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी ईमान लाने का जो वाकयात है वो इंतहाई ईमान अफरोज है और जिस तेजी से और जिस पुख्तगी से लोग ईमान ला रहे थे कि कितने बड़े बड़े आजमाइशों से गुजरे उसके बावजूद लोग अल्लाह के दिन में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे हमने हजरत अम्मा रजी तुके बारे में पढ़ा कि उनको इस तरह से सजा दी गई ईमान लाने की कि उनको उनके चारों हाथ पाओं को ऊंट ऊंट चार घोड़ों से बांध दिया गया और उन घोड़ों को मुखालिफ सिंतों में दौड़ा दिया गया अब सोचिए क्या हुआ होगा उनकी वाइफ हजरत सुमैया को बर्छी मार के कत्ल कर दिया गया लेकिन लोग ईमान शहीद कर दिया गया लेकिन लोग ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे बल्कि मुझे हजरत था उमर फारूक का ईमान लाने का वाक्य अभी याद आ रहा है कि आपको पता है कि वो नबी करीम से को शहीद करने की नीत से घर से निकले रस्ते में किसी ने कहा कि भाई तुम अपने घर की तो खबर लो वो गुस्से में घर जाते हैं और वहां पर अपनी बहन को देखते हैं और वो अपनी बहन को मारते हैं उनको पीटते हैं लेकिन वो कहती है तुम कुछ भी कर लो मैं ईमान नहीं लाऊंगी उनका वो तीन उनका वो वो ईमान के फारूक रजी एक के एक मिनट लिए रुक जाते हैं।, से जाते हैं कि ये क्या क्या चीज है ऐसी तो वो उ, 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 उन लोगों की जो इस्तकामत थी उनका वो जो जज्बा था वो दिस देखने वालों की आंखों को उनके दिलों को खीरा कर रहा था तो वो जो थे उसको कैसे किया जा सकता था तो यहूदियों ने एक साजिश बनाई कि जो उनके पढ़े लिखे और उलमा और समझदार लोग थे वो बाकायदा प्लानिंग के तहत ये करते थे कि वो नबी की महफिलों में जाते थे और वहां पर अनाउंस कर देते थे, थे हम मुसलमान हो गए और फिर थोड़े ही दिनों के बाद सुबह मुसलमान हुए शाम को अनाउंस कर दिया नहीं भाई ये तो इतनी गलत गलत बातें करें नाउ नावज़ुल्ला और हम तो मुसलमान हम तो काफिर होंगे तो लोगों के ईमान को मुतजल्जल करने के लिए और इसी इस तरह की मिसालें यहूदियों के यहां बहुत मिलती हैं। बल्कि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट बात कि जो ईसाई मजहब की बुनियाद जली है वो उसकी बुनियाद डालने वाला सेंट पॉल इनफैक्ट ही और वो हजरत ईसा का सबसे बड़ा मुखालिफ था और अगर आप इनकी अपने लिटरेचर को पढ़े ईसाई लिटरेचर को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि वो कितना कितना मतलब नबीरत ईसा का मजाक उड़ाने वाला और जब सारा मामला हुआ तो वो बाकायदा साजिश के तहत वो इसा, उसने किया कि मैं ईसाई हो गया हूँ फिर उसने इस, ये जो सारा हजरत ईसा के हवाले से जो सारे अकयद बने उनको इंट्रोड्यूस कराया और फिर इवन ईसाई की जो टर्म है ये सारे काम उसने जो है वो यहूदी ने ईसाई बन के किए तो ये इनका हमेशा से मामला रहा है लोगों को अम, अम, इस्लाम से दूर करने की एक टैक्टिक होती है और मैं एक बात यहाँ पे रखूंगी मैं यू रिलेट कर पा रही थी कि पिछले कुछ अरसे में आ, शायद आप लोगों ने भी देखा हो कि एक्स मुस्लिम्स के हवाले रही है यूट्यूब पे, पे आपको नजर आ रहे अंग्रेजी बोल रहे हैं बड़े पढ़े लिखे हैं वी वर मुस्लिम सम और ऐसी ऐसी बातें ये सारे टेक्टिक्स हैं ये इनकी साजिशें हैं ये हमेशा करते रहे ठीक है तो अल्लाह और ये अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं ये शहूरी तौर तो पर करते हैं ये, ये, नीज ये आपस में कहते हैं कि अपने मजहब के सिवा किसी की बात नहीं मानो उनको पता था कि अगर कोई अल्लाह के रसूल की महफिल में बैठेगा की किताब पढ़ेगा तो उसके दिल पे असर होता है तो वो दिल मजबूत करके पहले से प्लानिंग से जाते थे तो सुनना नहीं बस सिर्फ जाके बैठना है गौर से सुनने की जरूरत नहीं है और इसको इसको शौरी नफाक जान बूझ कर एक तो जो हमारे अंदर होता है ना हमें पता ही नहीं चलता हम ईमान की कमजोरी में गड़बड़ कर जाते लेकिन ये शूरी निफाक था जान बुझ कर महफिलों में जाना लोगों को ऐसे एक्टिविटीज करना अभी भी हम ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं पिछले दिनों में गे मस्जिद का पता चला कि जी वो बाकायदा मुसलमान नाम है और एक मस्जिद बना लिए और आइए और हम आपको सपोर्ट करेंगे तो ये वो सारी एक्टिविटी वही टैक्टिक्स हैं जो पहले भी हुआ करती थी और अभी भी हो रही है तो अल्लाह ताला हमें उन टैक्टिक्स से इनफॉर्म कर रहे हैं ए नबी करीम मोमिनों को क्या कहा जा रहा है ए नबी करीम इनसे कह दो कि असल में हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है और ये उसी का दीन है कि किसी को वही कुछ दे दिया जाए जो कभी तुमको दिया गया था या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब के हजूर पेश करने के लिए तुम्हारे खिलाफ कभी हजत मिल जाए ए नबी करीम इनसे कहो कि फजलफ के इख्तियार में शर्फ अल्लाह के अख्तियार में है, जिसे चाहे अतः फरमाए और वो वसी नजर है और सब कुछ जानता है अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है मखसूस कर लेता है और उसका फजल बहुत बड़ा है तो ये यह यहूदी इस तरह की मुसलमानों को जो नुकसान पहुँचाने के लिए इस तरह की बहुत सारी साजिशें करते रहते हैं हमें परेशान नहीं होना चाहिए हम उनकी उस जलन और उनकी तकलीफ को चेक करें तो और उनको उनकी जो ये सारी कोशिश है उनको इग्नोर करें अल्लाह का ये बहुत शुक्र है अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी और अल्लाह ताला हमें इस हिदायत पर कायम रखें हम इस हिदायत को सीखें इस, इसको ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करें बजाय इसके कि वो एक्ट जो, जो खराबी और बुराई के एक्ट मुस्लिम की एक्टिविटीज हो रही है उनको फॉलो करने लगे और ये करने लगे और बॉन्ड करने के चक्कर में उन्हीं के स्प्रेड करने लगे ये अहले किताब में कोई इन अहले किताब में कोई ऐसा भी है कि अगर तुम उसके मा एम पर माल और दौलत का एक ढेर भी दे दो तो वो तुम्हारा तो वो तुम्हें तुम्हारा माल तुम्हें देगा और किसी का हाल ये है कि अगर तुम एक दिनार के मामले में भी उस पर भरोसा करो तो वो अदा ना करेगा इल्ला ये कि तुम उसके सर पर सवार हो जाओ अच्छा अब यहाँ पर ये बात हम बार बार पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह आलमीन कभी जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं सारे अले किताब गलत है सारी दुनिया गंदी है सारी दुनिया खराब है नहीं अल्लाह हमें बार बार करा मेंशन करते हैं कि जो खैर के एस्पेक्ट्स हैं खैर के जो पहलू हैं उनको अप्रिशिएट करना उनको अक्नॉलेज करना और उनकी कदर और उनकी इंपॉर्टेंस को समझना और ये भी एक तरीका होगा इसी के जरिए हम एक कॉमन चीज फिर ढूंढ सकेंगे ना जब हम सबको एक स्वेप, स्वेप देते हैं तो क्या होता है वो पूरा का पूरा तारीखी है तो फिर वो तारीखी की तरफ हम देखते भी नहीं है लेकिन मोमिन ऐसा नहीं होता मोमिन जो है वो खैर को ढूंढता है और ये एक और बात इसमें मोरिफुल कुरान में उन्होंने लिखी थी कि अल्लाह ने भी काफिरों की मदा की है तो हम ये सोचकर कोई देखें उनके अंदर कोई खैर देखें तो खाम खाई में उसको छुपाने के लिए और अजबियत में कि उनकी तारीफ नहीं करनी कोई बुराई नहीं है जहां अच्छी बात देखें जहां खैर देखें हम आगे जाके आगे बढ़ेंगे खैर के मामले में हर किसी के साथ साथन होगा तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है और ये एक बहुत पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है जो अल्लाह ताला मुसलमानों को सिखाते हैं बी पॉजिटिव जहाँ अच्छा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करो उसको एक्नॉलेज करो और यहीं से फिर वो खैर निकलेगा इनशाला दूसरी बात की नजर आती है अल्लाह जो तो इनके तो बुराई है, एक और इनकी बुराई है इसका सब है कहते हैं हम पर कोई मवाखा नहीं है और अल्लाह की तरफ मनसूब करते हैं हालांकि उन्हें मालूम है कि अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं फरमाई ठीक है तो आपको पता है कि उनके यहाँ बाकायदा जो उनकी एक मजहबी किताब तल्म उसके अंदर ये बात इसी तरह लिखी थी चूंकि हम बहुत अच्छे हैं और चूंकि सब लोग बहुत खराब हैं तो उनको ये बाकायदा सिखाया जाता था कि जो गैर यहूदी लोग हैं उनको साथ बुराई की जाए उनके साथ ख़यानत की जाए और इस पर तुमसे कोई पूछ नहीं होगी अब हम यहाँ रुकते हैं मैं, थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि हमारे अंदर भी कहीं कहीं जो है ना ऐसा वाला आ, आ, मामला पाया जाता है कि जी बुराई मतलब आ, हम हम ये समझते हैं कुछ कुछ ग्रोह के लोग मुसलमानों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि भाई ये जो नॉन मुस्लिम है इनको अगर हम टैक्स पे नहीं करते हम यहाँ से ये चीजें बचा लेते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अपने दिल की तसली करते हैं खुश होने में भाई को तो नुकसान पहुंचना चाहिए अरे यार यही हमसे यही रवैया डिजर्व करते हैं अल्लाह तवैया तो को कंडेम कर रहे हैं कि सिर्फ इस बिना पर हमारे उनसे नज़रियाती अख्तिलाफ़ हैं हम उनके लिए कुछ खराबी चाहें उनके साथ जो बुनियादी इंसानी अखलाकियात हैं अहैद की पाबंदी बेहतर मामला करना उनके लिए खैर सोचना उनको खैर फ़राम करना ये तो वो बुनियादी अकायद इंसानी अखलाकियात हैं जिसकी हम सबको जरूरत है और मजहबी अकायद के बिना की वजह से हम उनके साथ उनके वो इंसानी अखलाकियात भी तल्ब कर लें ये किस तो बात की तो अल्लाह ने कभी भी अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं कही कि किसी दूसरे के इंसान से नफरत की जाए उसको नुकसान पहुंचाया जाए और मैंने देखा है कि हमारी एक मेंटेलिटी है कि इवन हम कहते हैं बहुत सारी चीजों में कभी आप वेस्ट के, के खूबसूरती की मिसाल देते हैं तो जो ईस्ट में रहने वाले लोगों कहते हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है बिल्कुल अल्लाह का ही है कनाडा भी अल्लाह का है अमेरिका भी अल्लाह का है अगर वो खूबसूरत है और उसमें झीले हैं और उसमें खूबसूरत पहाड़ है सब कुछ अल्लाह का है तो ये वाली जो एक मैंटेलिटी है इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहिए कि इंसानी अखलाकियात हमारे लॉस नहीं हो जो हम जो कम, कमिटमेंट्स करते हैं जो अपॉइंटमेंट्स करते हैं जो हम डीलिंग करते हैं उसमें इस वजह से नुकसान पहुंचाना कि जी ये तो हैं इनसे तो चलता है इनको तो नुकसान पहुंचा देंगे यार क्या है हिंदू ही तो हैं तो ये अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी है हम किसी मुसलमान को अल्लाह ताला इजाजत नहीं देते ना अल्लाह ने पहले कभी किसी दी है और ना अभी अब हमें ये इजाजत है आखिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने कोई ऐसी बात नहीं तुमसे क्यों भी आखिर क्यों इनसे बास पर नहीं होगी जो भी अपने अहद को पूरा करेगा और बुराई से बचकर रहेगा वो अल्लाह का महबूब है क्योंकि इंसानों के साथ बेहतर मामला करना उनके साथ खेर ख्वाही चाहना रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी कस्बों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं तो उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं अल्लाह क्यामत के रोज उनसे बात नहीं करेंगे अस्थाफर 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 हम ना उनकी तरफ देखेंगे और ना उन्हें बा करेंगे बल्कि उनके लिए तो सख्त दर्दनाक सजा है अल्लाह ताला हमें नहीं देखिए देखियेहद की पाबंदी बुनियादी इंसानी इखलाकियात की कितनी ज्यादा अहमियत है इस बुनियाद पर हम अपनी बुनियाद बुनियादी चीज़ों से वो कर जाते हैं? नहीं अहद की पाबंदी में बहुत सारी चीजें आती हैं हमें बता ये निफाक की भी निशानी है और इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि हमारी इस एक ऐसे काम को जिसको हम बकायदा नेकी समझ के करें उससे अल्लाह इतने नाराज़ हो कि देखे भी नहीं हमें बहुत ज्यादा अपने आप को एवेल्युएट करना है कि हमारे जो मामलात है हमारी जो अखलाकियात है लोगों के साथ वो किस बुनियाद पर है इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस तरह जबान का उलट फेर करते हैं कि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है हालांकि वो किताब की बारत नहीं है वो कहते हैं कि जो ये जो कुछ पढ़ रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से है हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता वो जानबूझ कर झूठ बात अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं अच्छा अब यहाँ पे एक बात में सोची हूँ कि आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जब उनकी उनके बारे में हमें बेहतर मामला करने को कह रहे हैं तो उनकी बुराइयां अल्लाह की नजर में नहीं है उनकी गुना अल्लाह को पता था अल्लाह को पता है कि ये लोग खराब है और अल्लाह हमें भी बॉन्ड करे लेकिन जो तो जनरल मामला है ना उसमें जो हमारा अपना मामला है लोगों के साथ वो बेहतर बेहतर होना चाहिए अब देखिए कितनी, कितनी बड़ी जिसारत है और ये वही वाली बात है, तो भी पढ़ है कि करते थे या से जो नबी करीब की बाकायदा मायने बदल देना या कोई सेक्शन ऑफ आया निकाल के उसकी जगह अपने अल्फाज रख देना ये वाली तहरीफात भी थी और इसी तरह अल्फाज जैसे कि हमें पता है कि अल्लाह तला ने उनको कहा कि अल्लाह तला मेरे गुनाहों को माफ कर दे

कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला का एक इतना नेक बंदा खुद से क्लेम करे कि मेरे बंदे बनो नहीं कोई भी बंदा जो अल्लाह का बंदा है जो अल्लाह के नबी है चाहे वो ईसाजत मरियम थे वो कह ही नहीं सकते कि तुम मेरी इबादत करो मुझे ही खुदा बना लो एक तो ये बात है दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मुफसरीन ने यहाँ रखी है जो मेंशन की है और वो ये है कि अल्लाह का दीन सीखने का अल्लाह के दीन से जुड़ने का इस कुरान को समझने का असल में मकसूद क्या है कि हम अल्लाह की तालीमात और अल्लाह के कलाम से जुड़ जाए उस फर्द से ना जुड़ जाए हम उसी फर्द को हर फेर ना बना लें कि जो हमें कुरान सिखाता है और ये हमारे अंदर आता है हमारे अंदर होता है कोई अच्छा सा कुरान सुना रहा है कोई अच्छा सा हमने उसे कुछ अच्छी दीन की बात की हमारे दिलों में उनकी इतनी अकीदत हो जाती है कि फिर हम जो है ना बस वही सुबह शाम बस वही हमारे लिए सब कुछ हो जाते हैं और बजाय कि हम अल्लाह से और करीब होते हैं एक और मोहब्बत बीच में आ जाती है और ये बड़ी खतरनाक बात है अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान सीखने का मकसूद जो है ना से जुड़ना है अगर दिल में ऐसा ख्याल आए किसी की ऐसी ऐसी अकीदत या ऐसी ऐसी मोहब्बत मोहब्बत आने लगे भी भी तो फिर भी ठीक है लेकिन अकीदत ऐसी होना कि फिर अल्लाह की मोहब्बत हमसे कम होने लगे ये बहरहाल किसी तरह भी मुनासिब नहीं है ना जो लोग पढ़ाते हैं सिखाते हैं अल्लाह का दीन ये उनको इस बारे में भी बहुत मोहतात होना चाहिए और जो लोग अल्लाह का दीन सीख रहे हैं वो भी अपने आप को अपने नफ्स के हवाले से पकड़ के रखें कि मैं वाकई अल्लाह से जुड़ रही हूँ या फला फर्ज से मेरा एक अकीदत का और एक अत का और बस उन्होंने कह दिया तो अल्लाह माफ करे लोग उनके हाथों को चूम रहे हैं यहाँ तक है कि उनके मोजे भी बना रहे हैं मतलब अजीब हमें अकीदत की कहानियां अपने मुआरे में जगह जगह नजर आती हैं बहरहाल ये मकसद नहीं है अल्लाह का तालीमत का मकसद ये था कि हम अल्लाह से जुड़ने वाले बने वो तुमसे हरगिज ये नहीं कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें का हुक्म दे जबकि तुम मुस्लिम हो याद करो अल्लाह ने पैगंबरों से अहर लिया था कि आज हमने तुम्हें किताब और हिकमत और दानिश से हमने तुम्हें किताब और और हिकमत से नवाजा है कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास उसी की तालीम ले करता तस्दीक करता हुआ आए तो जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है तुमको तुमको उस पर ईमान लाना होगा और उसकी मदद करनी होगी अब आप देखिए नबियों से भी का वर्ड है है नजर आ रहा है। तो अल्लाह ताला ने उन नबियों से भी ये वादा लिया था अनसार बड़ा मुकाम है हम नबी और रसूल का मुकाम तो नहीं पा सकते लेकिन हम ये वाला काम कर सकते हैं हम आप याद रखिएगा हमने अनसार की बात शुरू में की थी तो नबियों से भी अल्लाह ताला ने ते वादा लिया था ये अर्शाद फरमा कर अल्लाह ने पूछा क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी तरफ से अहद की भारी जिम्मेदारी उठाते हो उन्होंने कहा हाँ हम इकरार करते हैं अल्लाह ने फरमाया अच्छा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ इसके बाद जो अपने अहद से फिर जाए वही फासिक है ठीक है ना तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि नबियों ने भी लब्बैक कहा अब ये पुकार मेरे लिए भी है क्या मैं इस पुकार पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हूँ और मैंने एक बड़ी प्यारी बात कही सुनी कि उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ताला के यहाँ लिस्ट है मनेंगी ना अनसार की तो जाहिर सी बात है उसमें ऊपर तो हजरत इब्राहिम सलाम होंगे हजरत मूसा सलाम होंगे नबी करीम होंगे उस लिस्ट में सबसे ऊपर तो क्या पता उस लिस्ट में कहीं नीचे मेरा नाम भी हो किसी भी हजार में हिस्से पे किसी भी लाख में हिस्से पे करोड़ों वाले हिस्से पे अल्लाह के अनसारों क्या आपको पता है कि अल्लाह के यहाँ कैटेगरी बनेंगी तो लबैक है इस इस आवाज पर अब क्या ये लोग अल्लाह की अत्याद का तरीका दीन अल्लाह को छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं हालांकि जमीन और आसमान और जमीन की सारी चीजें चारों ना चार अल्लाह ही की मुस्लिम है और उसी की तरफ सबको पलटना है पूरी कायनात तो अल्लाह के मुस्लिम है ये इतनी प्यारी आयत मुझे लगती है और ये मेरे दिल को लगी थी जब मैंने शहूरी तौर तो पर बात को एक्सेप्ट किया अल्लाह की अदात को तो मुझे ये बात इतनी प्यारी लगी कि वाकई मैंने तो सोचा ही नहीं जमीन आसमान सूरज चांद परिंदे द्रा हर चीज तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और हर चीज तो अल्लाह के मुस्लिम है सिर्फ एक दरिया के मुखालिफ से हम चलना कितना मुश्किल होता है ना तो ऐसे मुश्किल में अपने को क्यों डालें उसी रास्ते पे चलें, जिस पे अल्लाह ताला ने सब चल रहे हैं तो हम भीनाइज हो जाए उस पूरे सिस्टम के साथ इनशाला और पलट्टा भी तो उसी के पास है नाजिल की गई है उन तमाम याकूब और औलाद याकूब पर नाजिल हुई थी और उन हदायत पर भी ईमान रखते हैं जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगमरों को उनके रफ की तरफ से दी गई थी हम उनके दरम्यान फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह के किताबे और फरमान फरमान मुस्लिम है उस इस फर्मा बरदारी इस्लाम के सिवा कोई शख्स और तरीका इख्तियार करना चाहे तो उसका वो तरीका हर गिबूल नहीं होगा और आखिरत में वो नाकाम और नामुराद रहेगा ठीक है कैसे हो सकता है कि अल्लाह उन लोगों को हिदायत बख्शे जिन्होंने नियमत ईमान टालेने के बाद फिर कुाराला वो खुद इस बात पर गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल हक पर है और उनके पास रोशन निशानियां आ चुकी अल्लाह रबीनों को हिदायत नहीं दिया करता अल्लाह तालिमो को हिदायत नहीं देते और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ईमान पाने के बाद फिर कुफर की तरफ पलटना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए इंसान अपने आप को ईमान के दायरे में ही रखे इनके जुलम का सही बदला यही है कि अल्लाह उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की फटकार है इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे ना उनकी सजा में तकफीफ होगी और ना उन्हें मोल दी जाएगी अलबत् वो लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तोबा करके अपने तर्ज अमल की असलाह कर लें इतनी प्यारी बात है अल्लाह ताला कितने अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह सांस रुक रही थी ना पहली बार आयात पढ़ते हुए दिल इंतहाई डर रहा था अल्लाह ने दरवाजा खोला तोबा का दरवाजा खोल दिया परेशान नहीं हो हो गए गुना हो गए it's okay, come back, तोबा करो पलट आओ मेरी तरफ और अपने अमल की इस्लाह कर लो तोबा के साथ एक शर्त है ठीक है सिर्फ नदामत काफी नहीं है असल में अमल की इस्लाह सबसे ज्यादा जरूरी है वा दा, बाद ठीक है तो अब जो काम कर रहे थे उससे पलट आना भी जरूरी है सिर्फ शर्मिंदा होना काफी नहीं है है ना हमारा बच्चा चीजें गंदा कर देता है हमसे सॉरी है हम कहते हैं बहुत बेटा कोई बात नहीं लेकिन अब जल्दी से समेटो उसको क्लीन अप तो इस्लाह करना बहुत जरूरी है और अल्लाह बख्शने वाले हैं और गफुर रहीम है मगर जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार किया फिर वो अपने उस कुफुर में बढ़ते चले गए उनकी तोबा भी कबूल नहीं होगी है ना तोबा किया फिर उसी काम में लग गए फिर तौबा किया और वो तौबा में नहीं थी ना वो कुफर के ही रस्ते पे चले जा रहे थे बस एक हाँ, आवाज लगाते थे और फिर उसी काम में मगन हो गए ऐसे लोग तो पक्के काफिर है यकीन रखो जिन जिन लोगों ने कुफर अख्तियार किया और कुफरी की हालत में जान दी उनमें से कोई अगर अपने आप को सजा से बचाने के लिए रूए जमीन भर कर भी सोना में दे दे तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सजा तैयार है और वो अपना कोई मददगार नहीं पाएंगे मैं एक मिनट बस इस पर रुक गई थी पढ़ते हुए कि पूरी जमीन जितना सोना दे कर आखिरत और अल्लाह की नाराजगी से नहीं बचा की नाराजगी से नहीं बचा जा सकता बहुत मुश्किल तो भी नहीं है ना ऐसे काम में क्यों जाए इन अल्लाह हमें महफूज रखे तुम से हमारा बड़ी प्यारी हसीन आयत से स्टार्ट हो रहा है तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक की वो अपनी चीजें अपनी वो चीजें अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो जिन्हें तुम अजीज रखते हो ठीक है इसमें तीन बातें हैं जिस पर मैं बहुत गौर करती हूँ एक तो है अलबिर हम अलबिर पर बात करके आ चुके नेकी नेकी क्या चीज है ठीक है उसके बाद अल्लाह ताला इसमें बात करते हैं की ठीक है कि आपको नजर आ रहा है और तीसरी बात अल्लाह ताला करते हैं महबूब सबसे ज्यादा अजीज चीज ठीक है हम सबको शौक है हम नेकियां करना चाहते हैं हमें पता है कि जन्नत में जाने के जो टोकन है वो है ही नेकी And we want to do as as much as possible। आपने एक गेम आता था बचपन में फन उसके नाम से टोकन मिलते थे कोई दस का टोकन कोई पांच का टोकन और जिसको सौ का टोकन मिल गया तो वो जो बड़ा वाला टोकन है ना वो ये है अलबिर क्या है अल्लाह के राम में खर्च करना और इन्फाक का वर्ड अल्लाह ताला ने बड़ा एक मायन खेज वर्ड है कि जिस तरह नफाक और मुनाफिक का मतलब है दो मुंह तो इन्फाक का मतलब ये कि इंसान जब अल्लाह को दे उसका नतीजा उसको सिर्फ आखिरत में चाहिए उसके दूसरे एंड पे उसको चाहिए दुनिया में उसको कुछ नहीं चाहिए ठीक है और दूसरी बात यह कि बहरल स्पेंड करना खर्च करना के ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे और हम कहेंगे कि बस हाँ दिल तो बहुत चाहता है है मिल जाए और हमारा बड़ा शौक है, करने के लिए कुछ देने के लिए कुछ स्पेंड करने के लिए कुछ नहीं है ऐसा इससे काम नहीं चलेगा देना पड़ेगा अल्लाह ताला की राह में और हमें पता है कि इससे एक बड़ी मुराद इन की हमने पहले भी बात की थी कि अल्लाह की राह में खर्च करना अल्लाह के दिन को नाफिज करने के लिए अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए खर्च करना और मैं इस हवाले से जरूर यह बात मेंशन करना चाहूंगी कि हम सबको अंदाजा है चाहे हम वेस्ट में हैं, चाहे हम ईस्ट में हैं, कि इस वक्त जो भी हालात हैं हम सब बहुत परेशान हैं अपने फ्यूचर अपनी जनरेशन के बारे में अल्लाह इन लोगों तक दीन का क्या होगा हर जगह जरूरत है और अल्लाह के दीन के फ्यूचर को संभालने के लिए उसको मेक श्योर शोर करने के लिए सबसे अहम बात क्या है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च किया जाए माल से खर्च किया जाए और खर्च करने के हवाले से जो बात है वो है अजीज चीज महबूब चीज़ और महबूब चीजें पैसा भी होता है अल्लाह हमें कहा था कि इंसान की जो जुना बनाया है उसमें से उसके बच्चे भी उसकी नेम, खर्च किया जा सकता है उसका माल उसकी दौलत और उसकी जो सलाहियतें हर वो चीज जिसपे मैं प्राउड होती हूँ जिसको मैं समझती हूँ कि ये मेरी वाकई दिस इज स्पेशल उस चीज को अल्लाह की राह में खर्च करना और हम सबको को पता है कि इससे मुराद बहरहाल क्वालिटी ज्यादा है कि तो अल्लाह ताला की राह में बेहतरीन चीज को खर्च करना और हम ये पढ़ते हैं तफसीर में इस तरह से आता है कि बहुत रूह परवर वाकियात ईमान अफरोज वाक़ात जब ये आयात नाजिल हुई तो हजरत अबू जैद बिन हारसा रजी अल्लाह ने अपना बेहतरीन सबसे प्यारा घोड़ा अल्लाह के वसल्लम के हाथ में लाख रख देते हैं कि नबी नबीम ये मुझे बहुत अजीज था तो आप ये मुझसे ले लीजिए फिर इसी तरह से अबू अब रजी तुम के बारे में आते हैं कि उनका एक बहुत अच्छा सा कुआं था बेरहा का कुआं और वहां से नबी करीम से पानी ठंडा पानी पसंद था तो वो स्पेशल पानी नबी के आता था और वो उनको उनकी बाग की सबसे कीमती चीज़ थी वो अल्लाह के नसूल को ला के दे देते नबी नबीमल उमर फारूक के बारे में आता है कि जब उन्होंने आयत सुनी तो उन्होंने अपनी सबसे अजीज और सबसे काम की जो उनकी अहम कनी थी उसको अल्लाह की राह में वो दे देते उसको खाली कर देते तो बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफजल नयियों की हम कोशिश करें और उसके लिए अपनी जो बेहतरीन चीजें अपना वक्त और अपनी सलाहियतें और अपना पैसा अल्लाह ताला की राह में खर्च करें और यहाँ पर मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इतना सिस्टर्स भी अल्लाह के दीन का काम कर रही हैं हमारा मकसद यही है कि जो भी वेस्ट पर अल्लाह के दीन फैलाने का काम हो रहा है उसमें हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालें ताकि हम अल्लाह के आगे अपनी हजरत पेश कर सकें और आपको पता है कि अल्लाह के दीन का काम के लिए हमें लोगों की सलाहित की जरूरत है हमें लोगों के वक्त की जरूरत है और यकन हमें अल्लाह रब के दीन को फैलाने के लिए पैसों की भी जरूरत है और आप इतना जस्टिस के बहुत सारे काम जो है वो देख सकती हैं आप हमारी वेबसाइट पर आजकल जारी होंगी आपको नजर आ रहा होगा कि कितना सारा माशा माशा बहने काम कर रही हैं आइए और इस काम में हमारी मदद कीजिए अगर आप हमें वक्त दे सकती हैं हमें अपनी दें आप हमारा वॉल्टियर हमारी वॉल्टियर बने उसके लिए फॉर्म्स हमारे वेबसाइट पे मौजूद हैं हमारे डोनेशन आप हमें ऑनलाइन कर सकती हैं है, आपसे अल्लाह रबीन आपकी नेहकअल बहुत कदर देंगे और यही अलबिर है और अलबिर की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी खूबसूरत और अहम बात है जो तो तफीमान में उन्होंने इसकी तशरी में लिखी है और वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा आया आ, 75, उनके दिमागों में नेकी का बुलंद से बुलंद तस्वुर बस ये था कि सदियों के तवारे से तशरु की जो तशरिया की जो खास शक्ल उनके यहाँ बन गई थी उसका पूरा चर्बा उतार ले और उनकी कानूनी मुशगाफियों से जो एक लंबा चौड़ा निजाम बन गया था उसके मुताबिक रात और दिन जिंदगी के छोटे-छोटे ज़मीनी और की मामला नापतोल करता रहे उस तशर की ऊपरी सतह के नीचे यहूदियों के बड़े बड़े दीनदार लोग तंग दिली हिर्स, बुखल, हक पोशी और हक फरोशी के अयुब छुपाए हुए थे और राय आम उनको नेक समझती थी ठीक है तो नेकी क्या थी कि बस ये क्यों कर लिया वो खा लिया वो हराम है इतना बस बिल्कुल इंतहाई जो डिटेल्स है उसमें पढ़कर बस वो उनके नेकी थी अल्लाह ताला ने क्या कहा उनकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए उन्हें बताया जा रहा है इस तरह लिखते हैं तफीमल कुरान में कि नेक इंसान होने का मुकाम उन चीजों से बाल है जिसको तुमने मदार खैर और सलाह समझ रखा है नेकी की असल रूह अल्लाह की मोहब्बत है ऐसी मोहब्बत के मुकाबले में दुनिया की कोई चीज अजीजतर ना हो जिस चीज की मोहब्बत भी आदमी के दिल पर इतनी गालिब आ जाए कि वो उसे अल्लाह की मोहब्बत पर कर्बाद नहीं कर सकता हो बस वही बुत है और जब तक उस बुत को आदमी ना तोड़ दे नेकी के दरवाजे उस पर बंद है आ, फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे बेखबर ना होगा खाने की ये सारी चीजें जो शरीय मुहम्मदी में हलाल है बनी इसराइल के लिए भी हलाल थी अलबत्त बस चीजें ऐसी थी जिन्हें तौरा के नाजिल किए जाने से पहले इसराइल ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था इनसे कहो अगर तुम अपने एतराज में सच्चे हो तो लाओ तोरा और पेश करो उसकी कोई इबादत इसके बाद भी जो लोग अपनी झूठी घड़ी हुई बातें अल्लाह की तरफ मंसूब करते रहे वही दर हकीकत ज़ाले में कहो अल्लाह ने जो कुछ फरमाया है सच फरमाया है तुम यक्षु होकर तरीके की, की पैरवी तुमको करनी चाहिए और इब्राहिम करने तो और, और तो हलोनी कर तो है कि अल्लाह ने हराम नहीं की थी बल्कि वो जैसे हजरत ने कुछ अपने लिए हराम की थी और वो तोरात आने से बहुत पहले कर रही थी तो उसको उन्होंने अल्लाह का अल्लाह के हकुम के तौर पर ले लिया बेशक सबसे पहले इबादत गाह जो इंसानों के लिए तमीर हुई है वो वही है जो मक्के में वाक है उसको खैर और बरकत दी गई और तमाम जहां वालों के लिए मरकज हिदायत बनाया गया था इसमें खुली हुई निशानियां हैं इब्राहिम का मुकाम इबादत है और उसका हाल ये इसका हाल ये है कि जो उसमें दाखिल हुआ मामून हो गया हमें पता है हम पीछे सुर वक्रा में ये पढ़कर आए हैं कि अल्लाह तबला जब तब्दील कर दिया था और यहूदियों को इस बात पे बड़ी तकलीफ थी तो वो बार बार कहा करते थे कि पहले तो नबी करीम से इस पर इबादत करते थे अब क्यों तब्दील किया तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जो सबसे पहली इबादत गाह बनी थी खान काबा तो सबसे पहले बनी बेतल मकदस तो कुछ सालों पहले हजरत ईसा मूसा सलाम के भी काफ़ी सालों छः सौ सात सालों के बाद हजरत सलमान ने बनाया जबकि खान काबा की जो तामीर है वो तो हजरत इब्राहिम उससे बहुत पहले कर चुके थे बल्कि हम इसमें तारीख में पढ़ते हैं कि सबसे पहले खान काबा जो है वो सलाम ने बनाया मुफसरीन कुछ ये राय देते हैं और उनके उन्होंने अपने हक हाँ में जब ये राय रखी है तो वो सूर्य बकरा की जो हमने आयत पढ़ी -पंट वो उसमें कहते हैं कि अल्लाह ने कियद मिनल्ब के वो उनकी दीवारें खड़ी कर रहे थे तो बुनियाद जो थी वो इब्राहिम सलाम से पहले सलाम से अल्लाह दलवा दी थी इब्राहिम सलाम ने उसको दोबारा से उसको

और इब्राह वाली मिसाल भी हम देखते हैं कि सब लोगों ने पूरी दुनिया ने उस वक्त देखा था कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनकी उसकी हिफाजत की थी तो तुम्हें यह हक हाँ पहुंचता ही नहीं है कि उस पर एतराज करो बल्कि अल्लाह अल्लाह ताला क्या कहते हैं लोगों पर का हक हाँ है कि जो इस घर तक पहुंचने की सताहत रखता हो वो उसका हज करे और जो कोई इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो इसे मालूम हो जाना चाहिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है ठीक है तो ये आयत आपको पता है कि ये की फर्जियत की आयत है कि अल्लाह आलमीन हमसे भी ये बात कहते हैं कि और बड़ी खतरनाक हमें मिलती है कि अगर तुम आ, जिस अस्तात रखते हुए हज नहीं किया तो फिर तुम्हारा जो तुम हो के मरोगे ईसाई है ना और इससे जो बात मुझे समझ आई कि हम हम भी जिंदगियों में कहीं कहीं कबले की तरफ दौड़ रहे होते हैं हमारे कबले कुछ और होते हैं फिर अल्लाह ताला तला कहते हैं कि पलटो उस कबले की तो जिंदगी में एक दफा उस मुकाम तक पहुंचना जो सताफ रखने वाले लोग हैं उनके लिए फिर अल्लाह ने फर्ज कर दिया कहो ए अहले किताब तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह सब कुछ देख रहा है कहो एहले किताब ये तुम्हारी क्या रविश है कि जो अल्लाह की बात मानता है उसे भी तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो और चाहते हो कि वो टेढ़ी राह चले हालांकि तुम खुद उसके राह सोने पर गवाह हो तुम्हारी हरकतों से अल्लाह गाफिल नहीं है ए लोगों जो ईमान लाए हो अगर तुमने नहले किताब में से किसी एक गिरोह की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर कुफर की तरफ फिर ले जाएंगे तुम्हारे लिए कुफर की तरफ जाने का अब कोई मौका नहीं है जबकि तुमको अल्लाह की आयतें सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल मौजूद है जो अल्लाह का दामन मजबूती के साथ थामेगा वो जरूर राह रास्त पालेगा ए लोगों जो ईमान लाए हो ठीक है अब दोबारा पहले ईमान वालों को कुछ हिदायत की अब एक खास हिदायत ईमान लोगों वालों को की जा रही है इस पर हमें तवज्जो देनी है और ये हिदायत आपने बहुत दफा पढ़ी है अल्लाह से डरो जैसा कि उसे डरने का हक है और तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरके में नहीं पड़ो अल्लाह की उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया है तुम एक दूसरे के दुश्मन थे उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और उसके फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे खड़े थे अल्लाह ने तुमको इससे बचा लिया इस तरह अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे सामने रोशन करता है शायद कि इन अलामतों से तुम्हें अपनी फलाह का सीधा रास्ता नजर आ जाए अब यहां पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है मुसलमानों की फलाह का रास्ता ठीक है अल्लाह ताला ने हमें क्या फरमाया कि तुम्हें फला चाहिए तो तुम्हें दो तरह के काम करने हैं। एक काम क्या है अपनी और इसी इसलाह के दो तरीके दो एस्पेक्ट्स हैं तरीके नहीं है तरीका एक ही है दो दो एस्पैक्ट होंगे जिनको देखना होगा एक तो हमारा अपना जती तकवा और वो जती तकवा क्या है कि अल्लाह की कॉन्शियसनेस और हम इस बारे में पढ़ते हैं कि लाइफ लॉन्ग अल्लाह की कमिटमेंट है जहां जहां अल्लाह मौजूद है वहां वहां उसका तकवा किया जाएगा वहां वहां उसे हया की जाएगी वहां वहां उसकी नाराजगी का ख्याल किया जाएगा और दूसरी बात यह है कि अल्लाह की रस्सी अल्लाह की रस्सी किसे कहते हैं अल्लाह का दीन अल्लाह की किताब और नबी करीम की लाईविशरीत वह हदीस और सुन्ना की सूरत में उसको मजबूती से थाम लो रस्सी पे जब हम गौर करते हैं तो जिस तरह वो गठा गठी भी होती है उस चीज को के एक बात बड़ी प्यारी मैंने पढ़ी कि अल्लाह की रस्सी टूटती नहीं है लेकिन छूट जाती है

कितना इंसान ने एक दूसरे के ऊपर किया है तो ये दीन था जब इंसानों के पास अल्लाह की दीन और अल्लाह की हिदायत आई तो इंसानों को फलाह मिली आज भी मुझे और आपको अगर फलाह मिलेगी तो वो इसी बुनियाद पर मिलेगी कि हम अपने आप को उस तफर और डिस्प्यूट से बचाएं और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें इसके बाद जो दूसरा काम है और वो भी फलाह के लिए नागुजीर है ये दोनों चीजें अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि दोनों चीजें चाहिए फला के लिए अपनी जाती इस्लाह और एक इज्तमाही इस्लाम ठीक है तो का क्या है कि कि तुम में कुछ लोग ऐसे जरूर रहने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहे जो लोग ये काम करेंगे वो ही फलाह पाने वाले ठीक है तो मैंने आपसे कहा था फलाह का लफ्ज पहले भी आया दूसरा तो जब फला चाहिए तो दोनों उसके लिए दोनों शर्तें कि अपनी भी इसलाह हो और अपनी सराउंडिंग uh, इसलाह भी हो और आपको पता है कि बाहर की दुनिया uh, कितने आप कितने अंदर से साफ हो ऊपर से साफ हो आप गंदा माहौल होगा आप बाहर निकलेंगे आप भी गंदे हो जाएंगे तो अपनी इसलाह के लिए जरूरी है कि बाहर की इसलाह भी की जाए और बहरहाल ये तो सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह का हुक्म है इस हुक्म पर अगर हम थोड़ा सा गौर कर लें तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि एक लफ्ज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये मैंने इस आयत को पढ़ा इसको समझा एंड देन आई डिसाइडेड दिस डिसीजन आ, मुझे एक इज्तमाहीत की जरूरत है क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वल तकुम मिनकुम इतनी सारी उम्मा में सबको अल्लाह ताला ने ये काम करने को कहा है लेकिन उम्मा एक ऐसा ग्रोह जरूर हो कि जो ये काम करता रहे अल्लाह के दीन का काम लोगों को खैर की तरफ बुलाते हुए और यहाँ मैं ये बात रखना चाहूंगी कि बहुत दफा हमें लगता है कि हाँ जी हम अल्लाह के दिन काम कर रहे हैं और हम फ्री बर्ड हैं और हम हर तरह का काम करेंगे हर काम की अहमियत है लेकिन कामों की खूबसूरती क्या है कि उस काम को उस तरह ऐन उस तरह किया जाए जैसा अल्लाह ते बताया है और अल्लाह तला की बात हम पीछे भी पढ़कर आए हैं कि अल्लाह तला को ऑर्गेनाइज वर्क पसंद है काम आपको भी पता है कि कामों में हुसन उस वक्त आता है कि जब वो एक और, वे में होते हैं। और उम्मा, एक, एक जमात उस काम को हुसन देती है उसको ऑर्गेनाइज करती है और हम सब बहुत बड़े हो गए हैं अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक को तोड़ना आसान है और सौ को तोड़ना मुश्किल है ये सारी बातें हमें पता है अल्लाह हमें पता है काम बहुत बड़ा था इस काम को अकेले अकेले करेंगे उ, उसका जो इम्पेक्ट होगा वो हमें पता है कि बहुत कम होता है लेकिन जब एक इज्तमी एक एक होता है और दो ग्यारह हो जाते हैं है ना तो ये एक बहरहाल मुझे मुझे तो हुक्म दिया है और हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड होते हैं आ, हम डॉक्टर्स है तो हम डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन हम इंजीनियर है इंजीनियरिंग फोरम्स हैं टीचर्स की ऑर्गेनाइजेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट की और हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हुए हम दो मिनट के लिए भी नहीं सोचते हैं मैं पता होता है, इसको करेंगे, तो ये फायदा है।, है, तो है तो बहुत बातें जहन में आती है क्या होगा पता नहीं क्या कहेंगे पता नहीं अब फिर क्या होगा फिर मैं पता नहीं कमेंट कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी और बहुत सारी बातें अल्लाह ने तो हुक्म अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का कुरान में दिया है तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन है कि अल्लाह के दीन का काम तो सबसे बड़ा इस बात का तकाजा करता है कि उसको ऑर्गेनाइज करें हमने देखा पीछे कितनी साजिशें हो रही हैं कितनी मेहनतें लोग कर रहे हैं अल्लाह के दीन के मुखालिफत और हम अल्लाह के दीन के लिए एक ग्रो ज्वाइन करते हुए या एक ग्रो के साथ मिलकर काम करते हुए हमारे दस तरह के परेशानियां और कंसर्न होती हैं अल्लाह पर यकीन करते हुए अल्लाह ताला की इज्तमीत को ज्वाइन करें बस मकसद जहन में वाज हो कि मैं किसी ऐसा नहीं है कि मैं रही इनके पास जाऊंगी इनसे चार तो अच्छी सीख लूंगी यार इनके पास बड़ा अच्छा मटेरियल दावा का होता है यार मैंने देखा इनकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होती है जाऊंगी तो सीख लूंगी वॉल्टियर बन के ये चार नो नीयत बिल्कुल खालिस है कि अल्लाह का हुक्म था कि अल्लाह ताला ने कहा कि इस काम को बेहतरीन तौर पर करने का तरीका जो है ये कि इसको किया और अल्लाह अल्लाबीन का हुक्म है कि जो लोग नेकी और खैर की तरफ बुलाएं उनको उनके साथ जाकर जॉइन होना उनको सपोर्ट करना और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए करेंगे अल्लाह ताला वक्त में बरकत देगा अल्लाह ताला आसानियाँ देगा इन शह और एक दफा फिर से मैं आपको आपके सामने इतना को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि आप जाइए हमारी वेबसाइट देखिए हमारे कामों को देखिए हम यही काम कर रहे हैं हमारी पूरी कोशिश है कि हम अल्लाह ताला के इस हुक्म की बेहतरीन तौर तो पर पाबंदी करें तो अगर आप में से किसी को आ, महसूस हो कि वह हम अल्लाह के इस हुक्म को अदा करने के लिए वह इतना सिस्टर्स के फोरम को इस्तेमाल करना चाहे तो वो जरूर आके हमें ज्वाइन करे हमारे कामों को सपोर्ट करें हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह किबीन हमसे ये इतना बड़ा काम और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमसे ले ले आमीन सो मामीन और उनके जो करने के काम है वो हमारे सामने हैं कि वो नेकी का हुक्म नेकी की तरफ बुलाते हैं भलाई का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं ठीक है तो ये बात भी हमें पता है कि नेकी और

तो बहरहाल बहुत सारा कुछ है सुनने के लिए देखने के लिए गौर करने के लिए और अल्लाह ताला से हम ये कह नहीं सकेंगे कि अल्लाह ताला हमें पता ही नहीं था तो हमें कोई मौका ही नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतने रिसोर्सेज हमें दिए हैं बार बार मैसेजेस बार बार पुकारें लगती हैं बस अब अः देर इस बात की है कि हम उस गाड़ी को स्टार्ट कर लें इंशाल्लाह या उसमें चाबी ले आ, कहीं तो लोगों की तरह ना हो जाना जो फिर बट गए और खुली खुली वाजे पाने के बाद फिर मुब्तलाती है ये स्कॉ है ये अंदाजे अख्तिलाफ मेरे बुनियादी बात में आए और काम शुरू करें इंशाला जिन्होंने की रबीज इख्तियार की वो उस रोज सख्त सजा पाएंगे जबकि कुछ लोग सुर्ख रूह होंगे और कुछ लोगों का मुंह काला होगा जिनका मुकला होगा उनसे कहा जाएगा कि नेमत इमान पा ने के बाद भी तुमने काफुरा रवैया अख्तियार किया अच्छा तो अब इसको फुराने नेमत के जिले में अदाब का मजा चको नार। रहे वो लोग तो दामन दामन मिलेगी और हमेशा वो उसी हालत में रहेंगे ये के हैं। हम ठीक -ठीक सुना रहे हैं। दुनिया वालों पर जुलम करने का कोई इरादा नहीं रखता ये खतरनाक आदमी हमें डराती तुम है लेकिन अल्लाह ते नहीं कह रहे अल्लाह तरूर ही मिलेगा सीधे रिश्ते पे और तो क्यों देंगे अल्लाह जुल्म नहीं करना चाहते सिर्फ अल्लाह ने डराने के लिए रखी है जमीन और आसमान की सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है और वो सारे मामला पेश होते हैं अब एक और इंपॉटेंट आयत आ गई है और आप देखिए कि मैं ये महसूस करी जाहिर सी बात है कुरान तो अल्लाह तला का लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि कोई मैंने कोई जानबूझ कर ये वाली बातें मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ बल्कि अल्लाह ताला का जो इम्फिस है वो हमें नजर आता है और एक बात मैं बार बार इस बात पे गौर करती हूँ बकरा की जो अहमियत है वो क्या साजिए तो बार बार मुझे मेरी एहसास जिम्मेदारी को याद कराते हैं कैसे बनेगी मैं ये काम करती नहीं हूँ तो क्या सिर्फ तिलावत करती रहूंगी सुरह बकर की तो वो 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 बादल मेरे ऊपर क्यामत के दिन सासे हो सकता है सुनते रहें सुनते रहे सुनत कुछ काम ना करें देखिए दोबारा अल्लाह ताला कह वही बात है जो हम उसी तरह की आयत अल्लाह कहते हैं कि अब दुनिया में वो बेहतरीन ग्रोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत और असलाह के लिए मैदान में लाया गया है तुम नेकी का हुक्म देते हो बदी से रोकते हो और बीमान रखते हो ये है वो काम हमारा और इस आयत में जो मुझे सबसे अहम बात लगती है वो ये कि किस तुम्हें तो निकाला ही इस मकसद के लिए था हमें दुनिया में Uh, मतलब दुनिया बनाने के लिए नहीं निकाला गया था कि हम अपने घर बनाए बस हर वक्त इस बात की फिक्र रहे कि जिंदगियां बन जाएं हमारी नस्लें प्रस्पेरियस हो जाएं वेल्दी हो जाएं स्टेटस हो जाए उनका इसके लिए नहीं निकाला था अल्लाह ने हमें हमें बनाया ही इस मकसद के लिए गया था कि हम इंसानों को नेकी की तरफ बुलाने वाले हों और मुझे इतनी प्यारी बात इसको पढ़ के अल्लाह से इतनी मोहब्बत आती है कि अल्लाह इंसानों से कितनी मोहब्बत करते हैं इतने लाख होंगे मुस्लिम्स जो है वो इसलिए अल्लाह ने बनाए थे कि जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उनको अल्लाह से जोड़ने कितने मेहरबान है अल्लाह तला और ये अल्लाह तुनपे मेहरबान है की जिन तक अल्लाह की बात नहीं पहुंची तो मैंने और आपने ये काम किया या नहीं किया ये बड़ा बड़ा सवाल या निशान है और मैंने एक मुझे ये बात हमेशा याद रहती है एक दफा मैंने एक का प्रोग्राम सो यंग एंड ही सेड कि हम लोग पेन लेकर आते हैं घर में और जब वो पेन काम नहीं करता था तो उसको उठा के फेंक कितना हसीन हो वो हमें अच्छा नहीं लगता काम ही नहीं कर रहा तो क्या फायदा इतने डॉलर खर्च किए थे तो अल्लाह ने उस उम्मत इससे पहले हुआ ना कि यहूदियों को अल्लाह ने इस काम के लिए निकाला उन्होंने नहीं किया अल्लाह ने उन्होंने ठाक दिया तो फिर हम कैसे खैरा उमा रहेंगे हम खैरा उमा है ही इसलिए इंसानों की भलाई का सोचते हैं उनको नेके की तरफ लेकर आते हैं अपने मकसद जिंदगी को हमें याद करना होगा उसको हासिल करने की कोशिश करनी हो गिरते पढ़ते खुशी से और भागन दौड़ी से बहुत सारे करने के काम है लेकिन इस काम को अवलीन रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अल्लाह ताला हमसे पहले ही कह चुके हैं कि तुमसे इस बारे में सवाल होगा ये अहले किताब लाते तो इन्हीं के हक हाँ में बेहतर था अगर चाहे कुछ लोग ईमानदार भी पाए जाते हैं मगर इनके बेशर अफरा नाफरमान है ये तुम्हारा कुछ भी गाड़ नहीं सकते ज्यादा से ज्यादा बस कुछ सता सकते हैं अगर ये तुमसे लड़े तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे फिर ऐसे बेबस होंगे कि कहीं से इनको मदद नहीं मिलेगी कि जहां पाए गए इन पर जिल्लत की मार ही पड़ी कहीं अल्लाह के जिम्मे या इंसानों के जिम्मे में बना मिल गई तो ये और बात है बाजार हमें काम करते हुए डर लगता है लोगों का और हम कहते हैं यार इतनी बड़ी इनकी कोशिश है यार इनका मीडिया है और इनके पास ये ये रिसोर्सेज है इनके मटीरियल देखो कितना अट्रैक्टिव है और

ठीक है बस एक बात यहां पर है तो वैसे ये यह तस्करा यहूदियों के बारे में ना लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना हम भी अल्लाह के आयात का इनकार करने वाले ना अल्लाह ताला माफ कर दीजिएगा इनको मगर सारे एहले किताब य नहीं है इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राह राहराज पर कायम है रातों को अल्लाह की आयात पढ़ते हैं और उसके आगे सजदा सजदारेज होते हैं अल्लाह और रोज़ आखिर पर ईमान रखते हैं नेकी का हुक्म देते हैं बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं ये सौले लोग हैं और जो नेकी भी ये करेंगे उसकी नाक़दरी नहीं की जाएगी अल्लाह परहिक लोगों को खूब जानता है मुझे अल्लाह देखिए ना आपको भी अल्लाह पे प्यार आता है अल्लाह ताला कितने प्यारे इतनी खतरनाक खतरनाक बातें की फिर हमसे कहा अच्छा ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है उनके खैर ही जो खैर का पहलू हो उसको एक्नॉलेज करो बिल्कुल इसी तरह से हमारे भी हम हम हर वो कहते हैं मुसलमान बुरे हैं मुसलमान बुरे हैं नहीं अच्छी भी है हमारे अंदर अलहमद और खराब बातें भी हैं तो मकसद अगर हम अपनी कोत्यायों को देख रहे होते हैं या उनके ऊपर नजर डालते हैं इसका मतलब खुद को ब्लेम करना सेल्फ ब्लेमिंग नहीं है या सेल्फ गिल्ट नहीं है हमें गिल्ट एहसास जुर्म का नहीं शिकार होना हमें बस अपना तजकिया करना है अपनी असलाह करनी है अभी तो बहुत लंबा सफर है जन्नत मिल जा लेनी है ना तो थक जाएंगे कि गिल्ट का शिकार होना एहसास जुर्म का शिकार होना या करना अल्लाह ताला नहीं चाहते थे पॉजिटिविटी को देखें जहां रोशनी नजर आती है आदमी वहां दौड़ता चला जाता है है ना खैर बस तो दौड़ते चले जाएंगे जाइए इनशाला वो लोग जिन्होंने कुफर का रवैया अख्तियार किया तो अल्लाह के मुकाबले में उनको ना उनका माल कुछ काम देगा ना औलाद वो तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे जो कुछ वो अपनी इस दुनिया की जिंदगी में खर्च करते रहे उसकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें पाला हो और वह उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने पर जुल्म किया है और उसे बर्बाद रख करके रख दे अल्लाह ने उनपे जुल्म नहीं किया दर हकीकत ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं बहुत डराने वाली आयत है अल्लाह ताला से हम हर वक्त बच्चों को अल्लाह से डरते हैं, लो ताला ये देते हैं। अल्ला ताला। अल्ला ताला कह रहे नहीं, हम नहीं कुछ करते अल्लाह नहीं करते ये तो हमारे अपने अमाल हैं हम अपने पाओं पे कुल्हाड़ी मारते हैं ये लोगों के लिए लाए हो अपने जमात के लोगों के सिवा दूसरों को अपना राजदार ना बनाओ वो तुम्हारी खराबी के किसी मौके से फायदा उठाने में नहीं डूबते जिस चीज से नुकसान पहुंचे वही उनको महबूब है उनका दिल वो उनके दिल का बोझ उनके मुंह से निकला पड़ता है और जो कुछ वो अपने सीनों में छुपाए हुए हैं वो तो इससे शदीद तर है और ये आयत हम पीछे कर आए ना कि राजदार नहीं बनाना उनको और फिर अल्लाह ताला आप देखिए इतनी अल्लाह ताला ना किस तरह से देख रहे हैं और एक हमारे सामने पूरी एक वीडियो क्लिप है और बड़ी खोफनाकल है मतलब देख के ना कुछ अजीब सी फीलिंग्स होती हैं है कहला कहते हैं उनके मुंह से निकला पड़ता है उनके अल्फाज उनका प्रोपेगेंडा उनकी वहशत और आप देख रहे हैं नजर आ रहा है हर थोड़े दिनों के बाद करीम के हवाले से, से कुछ ना कुछ कहाँ से एक कॉर्नर से दुनिया से निकल आता है ये बुग्ज है उनका जो उनके मुंह से निकला है और जो कुछ वो अपने सीनों में छुपाए उससे शदीद तर है आपको पता है कि ये तो सिर्फ आइसबर्ग की टिप ऑफ द आइसबर्ग है बहुत है इनके अंदर और यहाँ पर बस मैं एक बात रखना जरूर चाहूंगी कि जितनी तारीखी है उतनी अंधेरे की जरूरत है उनकी इस बुराई को देखते तो उनसे मायूस नहीं होना इसका मतलब है कि हमें बहुत मेहनत इस तरह के जो अनयूजल किस्म के इंसिडेंट होते हैं भी, आपको शायद पता चला हो कि इंग्लैंड में भी एक इसी तरह का इंसीडेंट हुआ है किसी टीचर ने इस तरह से नबी करीम की तोहन वाला मामला किया है तो हमें नजर आ रहा है कितनी तारीखी है और ये तारीखी हमें कहती है कि रोशनी की जरूरत बहुत है मेहनत करो काम करो हमने तुम्हें साफ साफ हिदायत दे दी है अगर तुम अक्ल रखते हो तो इनसे ताल्लुक रखने में एहतियात बरतोगे तुम इनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते हालांकि तुम तमाम इंसानी को आसमानी को कुतुब इंसानी आसमानी को मानते हो जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी तुम्हारे रसूल हमने भी तुम्हारे रसूल और तुम्हारी किताब को मान लिया है मगर जब वो जुदा होते हैं तो तुम्हारे खिलाफ उनके गैर का ये हाल होता है कि अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं इनसे कह दो अपने गुस्से में आप चल मरो अल्लाह दिलों के छुपे हुए रास्तक जानता है तुम्हारा भला

और एक आ, आ, मतलब आ, क्या कहना चाहिए एक एक और चेंज होता है सीन का और सीन ये आ गया कि अब करीम के दौर में हम चले जाते हैं और कुरान के सफ़र की जो, जो हम कुरान ये मुझे इसलिए सबसे प्यारा लगता है क्योंकि हमें अल्लाह ताला इसमें बड़ी जबरदस्त एक जर्नी से गुजारते हैं हमें आसमानों की सैर कराते हैं हमें पहाड़ों का विजिट कराते हैं हमें तारीख के मुख्तलिफ इंसिडेंट्स की मतलब फरिश्तों का की जो मकालमा था तो हम आसमान पे चले गए थे ना फिर जन्नत में चले गए जहां जहाँ आदमी थे फिर हम जमीन पे उतारे गए फिर हम ईसाइयों यहूदियों के माहौल की वो सारा कल मैंने बच्चों के साथ एंशेंट जो था उसका उसका सारा बच्चों को एक्सप्लेन किया जैसे मैं हम कल पढ़ रही थी परसों तो मुझे इतना मजा आया और इट वाज सो इंटरेस्टिंग फॉर देम इज वेल और अब आज जो है अब हम आ जाते हैं नबी करीम के मदीने शरीफ में जहाँ पे नबी करीम का मौका है और बड़ा क्रिटिकल मौका है और हमें इसको जो पिछली से भी बनाती हूं कि हमें सामने रखा कि की साजिशें और काफिरों की कोशिशें वो सब कुछ मौजूद है और बिल्कुल एक ऐसा ही इंसिडेंट प्रैक्टिकली फिर नबी करीम के सामने हुआ गजाद के मौके पर गजब से पहले आपको पता है कि गजब हो चुकी थी और उसमें मुसलमानों को फतह हुई थी अलहमद और उसका जो तफसीली तस्करा और तबसरा है वो हमें आगे जाके मिलेगा लेकिन चूंकि जिस कॉन्टेक्ट में सारी बात हो रही है तो उस काफिरों की कोशिशें और मुसलमानों के तो उसी में मामलाहद का तस्करा एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्करा है क्योंकि ये हमसे काफी कर, करीब का मामला है और ये हमारा ही तस्करा है मुसलमानों का ही तस्करा था जो मत मोहम्मदिया के हिस्से वाले हैं तो उनमें आपको पता है कि गजा अहद में ये हुआ कि जी द्र की फतह के बाद मुश्किन जो थे बहुत गुस्से में थे और वो वादा करके कहते हैं अगले साल दोबारा लड़ने के लिए आएंगे और वो अपना तीन हजार का लश्कर लेकर आए और अबू जहाल तो पहली जंग में खत्म हो गया था तो उसका सरदार जो हजरत अबू सुल्तान रज थे और खालिद बिन नलीद रज साथ थे तो बड़े बड़े उनके भी लोग आए अपनी पूरी आ, कहना चाहिए इस अपनी स्ट्रेंथ के साथ वो आए थे और यहाँ से नबी करीम जो थे वो आप के पास जो टोटल लोग जमा हुए वो सिर्फ और सिर्फ एक हजार लोग थे सत्तर ऊंट और जैसे मुसलमानों का मामला था एक बिल्कुल इब्तदाई रियासत थी और चीजें ग्रो कर रही थी बिल्ड हो रही थी तो रिसोर्सेज तो बिल्कुल भी नहीं थे ना तो ऐसे वक्त में आप फैसला तो है करते हैं आप तो की राय ये थी इनफैक्ट कि हम अंदर रह के लड़े शहर में रह के इतफा करेंगे लेकिन जो कुछ कुछ साहब कराम जो थे वो चाहते थे क्योंकि कि वो गजब में शामिल नहीं थे और वो इतनी खुश थे उस फताह पर तो वही चाहते थे कि हम बाहर जाके लड़े नबी करीम से उन्होंने कहा कि हम थे थे। मैदान अहद में लड़ने का फैसला किया तो अहद के रस्ते में ही थे तो अब्दुल्लाई जो था क्योंकि उसकी भी राय यह थी शहर के अंदर लड़े और आपको बताया कि वैसे होते। तो उनकी राय जो थी नबीम की स्ट्रेटेजी थी तो बहाल अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि नहीं जी हम हमारी तो बात मानी नहीं तो हम वापस जा रहे हैं तो वो जो एक हजार के लोग थे वो और कम होके सेवन हंड्रेड रह गए और वहां हम हम ये पढ़ेंगे कि Uh, नबीम वो, वो एक, एक की जबरदस्त स्ट्रेटी थी सिर्फ एक जो पॉइंट था जहां से दुश्मन के पीछे से हमले कामकान था आपने वहां पर अब्दुल्ला जुबैर रजिलान की रहनमाई में वहां पर पचास लोगों को मुतयन कर दिया था कि जहाँ से तुमने नहीं हिलना चाहे हमारी कोई हम शिकस्त खा जाए और हमारे जो जिस्मों को खील कवे, कवे चील कवे भी खाने आने तो इसको कुछ नहीं करना तो वो सारा एक माहौल था लेकिन आपको पता है कि वो मुसलमान जब फतह हो गई और वो उन्होंने वो जगह छोड़ दी कि कुफार वापस पलट कर आए और वो पीती हुई जंग जो थी वो

और ये बहुत खूबसूरत बात है कि मुझे जो पूरे में मिला एक सबक के फेलियर जो होते हैं वो भी सीखने के लिए बहुत जरूरी है ठीक है आजमाइशों से हम डरते हैं लेकिन ये भी अल्लाह का एक मौका है तो हम शुरू करते हैं अल्लाह करे के हम कहीं तक पहुंचे ए पैगंबर मुसलमानों के सामने उस मौके का कर जिक्र करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और अहद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जाबजा जाब जाब मामूर कर रहे थे अल्लाह सारी बातें सुनता है और वो नहायर है याद करो से दो गिरोह बजदली दिखाने पर आमादा हो गए थे हालांकि अल्लाह उनकी मदद पर मौजूद था और मोमिनों को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए आखिर इससे पहले जंग बदर में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था हालांकि उस वक्त तुम बहुत कमजोर थे अल्लाह को लिहाजा तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक् से बचो उम्मीद है तुम शुक्रगुजारी गुजार बनोगे याद करो जब तुम से कह रहे थे क्या तुम्हारे लिए बात काफी नहीं है कि अल्लाह तीन हजार वरिष्ठ कर तुम्हारी मदद करे बेशक अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते हुए काम करो तो जिस आन दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़कर आएंगे

पसपा हो जाए और आ, हमें पता है कि ये वो ये जो अल्लाह ताला ने फरिश्तों की नवेद थी ये उस तो कि उस वक्त भी जब आफिक लेके निकलने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ढहरस दिलाई कि अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो हमारी मदद को आएंगे फिर हमें नज़र आता है अगली जो आयात है ए पैगम्बर सल अल्लाह वसलम फैसले के इख्तियार में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है अल्लाह को इख्तियार है जब अल्लाह को इख्तियार है चाहे उन्हें माफ़ कर दे चाहे सजा दे क्योंकि वो ालिम जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसका मालिक अल्लाह है जिसको बख्श दे जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे अजाब दे वो माफ़ करने वाला और रहीम है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य हुआ कि जब नबी करीम से आपको पता है कि नबी करीम से जब पीछे से हमला हुआ और वो बड़ा क्रिटिकल वक्त था कि नबी करीम से अकेले रह गए और पीछे से चूंकि बड़ा जबरदस्त का हमला था और नबी करीम यहाँ तक के नबी करीम से जो गड़े में गिरे और आप के जो खुद आप पहने हुए थे जो कैप पहने हुए थे हेलमेट वो उसकी जो कुछ लोहे की कड़िया थी वो आप के चेहरे मुबारक में धंस गई और आप के दो या चार दिनदान मुबारक जो है

तो एक ऐसे वक्त में आप देखिए कि इंसानी रिस्पांस था लेकिन आप देखिए अल्लाह आलमीन नबी करीम को क्या कहते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी और अल्लाह की रहमत इससे नजर आती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फैसले के अख्तियार में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है अल्लाह को इख्तियार है चाहे उन्हें माफ करे चाहे सजा दे क्योंकि वो ज़ालिम है और जो ज़ालिम होंगे उनको अल्लाह तला ने सजा दी और इसी में हमें नजर आता है कि आप देखिए कि अल्लाह ताला ने उनको कैसे हिदायत दी कि वही हजरत अब अब सुफियान हजरत खालिद बिन वलीद, और बहुत सारे लोग भी मुसलमान भी हुए लोगों और ये बड़ी एक उम्मीद अफजा बात है और हमारे लिए भी बड़ी गैस्टर्स है उनको देखकर फिर हम उनसे खैर की भी दुआ मांगते रहे हमें नहीं पता कि कौन कब पलट के अल्लाह की तरफ आ जाए अल्लाह ने उसके लिए खैर रखी होगी ये लोगों जो ईमान लाए हो जो बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो उम्मीद है कि फलाह पाओगे उस आग से बचो जो काफिरों के लिए मुहैया की गई और अल्लाह का और, और रसूल का हुकुमान लो है कि तुम पर रहम किया जाएगा अब यहाँ पर एक कि मोहब्बत की बात हो रही है क्योंकि दिल में माल की जो मोहब्बत थी तो जब उन्होंने देखा कि जंग खत्म हो गई और माले गनीमत लोग जमाइट रहे तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों पीछे रहे और बहरहाल फिर वो गए फिर अल्लाह तरमाते हैं माल के में करना क्या है कि दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी ज़मीन और आसमानों जैसी हैं और वो उन खुदा तर्ज लोगों के लिए मुहैया की गई हैं जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं खौबदहालों या खुशहाल जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है अब आप देखिए दिखाने की की बात है है बस सारी उत, सुराद कहते हैं हैं तेजी 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 बहुत से से हम भागते हैं हवा सर तो वो चीज दौड़ना तो है भागना तो है भागे थे ना, वो भी माले गनीमत के लिए। हम भी भाग रहे हैं हम भी दौड़ रहे हैं सुबह उठते हैं चार बजे भी सोएंगे सुबह भागो स्कूल का टाइम हो रहा है जॉब पे जाना है अरे ये वाला काम था अरे फलानी मीटिंग थी तो हम भी भागम दौड़ी कर रहे हैं तो अल्लाह ने कहा भागना दौड़ना तो अल्लाह ने सलाहियत दी इंसान भागेगा लेकिन चीज की, की तरफ अल्लाह की मख्त और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसतें जमीन और आसमानों के दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक दवा जमीन का चक्कर लगाया उनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाया जमीन को एंजॉय करना तो दूर की बात है और अल्लाह कहने की जन्नत इतनी वसी है कि जमीन और आसमानों से ज्यादा एक एक बंदे को इतनी जबरदस्त जन्त मिलेगी और एक जगह में इसकी तफसी पड़ी थी उन्होंने कहा कि ये बात भी अल्लाह तला कहते हैं कि Uh, बड़े आराम से जन्नती जो है ना वो जम, आ, पूरे कायनात में ना ट्रैवल क्या करेंगे इट वाज सो अमेजिंग फॉर मी बिकॉज मुझे मुझे स्पेस में जाने का बहुत शौक है आई वांट टू टच डिफरेंट प्लैनेट्स तो इतना अच्छा लगा रहा मुझे सुन के कि इतना जबरदस्त तुम्हारा स्कोप होगा ट्रैवल करोगे घूमोगे दौड़ने का शौक है पूरी कायनात में तुम दौड़ रहे हो ठीक है लेकिन वो किसको मिलेगी वो उनको मिलेगी के जो तकवा वाले लोग हैं और वो तकवा वाले लोगों की क्वालिटीज क्या यहाँ बयान की गई है एक तो इनफैक्ट ठीक है वो हमने पहले बात कर ली दूसरी और उसके लिए अल्लाह ने कहा अच्छे हाल में होते हैं people, अपने खाने को नहीं, बस को दे दो। और हम ऐसे लोगों से बड़े इरिटेट होते हैं। कि अरे यार अपना तो ख्याल कर लेकिन नहीं अल्लाह को तो यही महबूब लोग हैं कि अपना नहीं देखते और हमें साहब कराम के मामला नजर आते हैं गजब ओहद की बेशुमार मिसाले खुद बिल्कुल मरने की पोजिशन में थे मतलब बिल्कुल आखिरी वक्त और पानी सामने वाले को दे दिया तो एक तो चीज ये वाली सारी बात है दूसरी जो बात मुझे इतनी इम्पोर्टेंट लगी वो है काजीज के गुस्से को भी जाना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कि गुस्से में इंसान जो है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उसको याद को ही कोई नहीं रहता और ये मतकीन की बात है जन्नत की बात हुई और गुस्से की बात हुई यहां पर बस एक बात जरूर रखना चाहूंगी वो ये कि अल्लाह ताला ने गुस्से को ये नहीं कहा कि गुस्सा उनको आएगा ही नहीं और जब आप साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी बढ़े ना हो जाएगा नहीं जी गुस्सा जो है ना वो एक बड़ी काम की चीज है लेकिन गुस्सा होना काफी कहा नहीं है असल में गुस्से की जो सबसे प्यारी हमारी जो टेक्निक है जो स्ट्रेंथ है वो इसको कंट्रोल करना है उसको कहां सही यूज करना है तो अल्लाह हमारे उस इमोशन को नहीं गलत कह रहे लेकिन कह ये रहे हैं कि उसको कंट्रोल करें स्ट्रांग आदमी कौन है सबसे नबी करीम से फिल्म किया जिसे मुबारक आपने सुनिए सबसे ज्यादा तुम्हें स्ट्रांग वो है जो अपना गुस्से को कंट्रोल करता है तो गुस्से को कंट्रोल करना और उस गुस्से को कंट्रोल करते हुए दूसरों को माफ करना ये बड़ी प्यारी बात है और फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि और जिनका हाल ये है कि अगर कोई फोहश काम उनसे हो जाए या किसी गुना, किसी गुना गुना का इत कर बैठे करके वो अपने पर जुल कर बैठे तो मान अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और उससे वो अपने कसूरों की माफी चाहते हैं और यहाँ पर एक बात और भी नजर आ रही है कि जो मुतकी लोग हैं उनसे फौज काम भी हो सकते हैं ठीक है और इसका मतलब ही नहीं कि हम तकवा हासिल करते चलो चलो थोड़ा सा कुछ गलत काम भी कर ही लेते नहीं 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 ऐसी बात नहीं है लेकिन मेरी बात मैं इसलिए कह रही हूँ की बाजात हम कुछ लोगों के बारे में हमारा होता है इतने और और देखो ऐसा कर दिया और फिर हम उनके मतलब हमारी आंखों से या नजरों से नजरों जा, गिर जाते हैं लेकिन इंसान है कि बात हमने शायद कल भी की थी इंसान के अंदर गलतियां होंगी असल बात ये नहीं है कि वो गलती इंसान को तो जन्नत में जो टेस्ट कराया था वो तो जो मशीन चली थी इंसान की उसके बाय डिफॉल्ट वो गलत काम कर सकता है वो करेगा लेकिन उनकी इम्पोर्टेंट बात है कि वो गलत काम करते हैं तो गलती से अगर वो कर लेते हैं तो वो अल्लाह को फौरन याद करते हैं, माफी मांग लेते इंसान इंसान है ही उस वक्त कि वो गलती करे और अल्लाह से मांगे अगर वो गलती नहीं करेगा तो फिर तो वो फरिश्ता बन गया ना तो अल्लाह को तो फरिश्ते नहीं चाहिए थे जमीन पे ये बात इंपॉर्टेंट है उसके बाद क्या है कि क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाहों को माफ करेगा कहाँ जाओगे तुम अगर मेरे पास नहीं आओगे तो अल्लाह से मायूस ना ला तक ना तुम रहमत अल्लाह अल्लाह से मायूस ना हो अल्लाह के पास आइए गलत काम होगा अल्लाह के पास पलट आए अल्लाह गुनाह माफ करेंगे और वो दीदा और अपने किए पर इसरार नहीं करते ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है वलम युसर माफालू इस नहीं करना गलत काम हो गया अब तोबा नहीं करेंगे बस यकीन हो पुख्तगी हो कि अच्छा गलती तो हो गई बड़ा हुआ या छोटा हुआ लेकिन रिपीट नहीं करेंगे ऐसे लोगों की जजा इनके रब के पास ये है कि वो उनको माफ कर देगा और ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बैठी होंगी और वहां वो हमेशा रहेंगे कैसा अच्छा बदला है नेकमल करने वालों के लिए तुमसे पहले बहुत से दौर गुजर चुके हैं जमीन में चल फिर कर देखो उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को झुटलाया ये लोगों के लिए एक साफ और सरी तंबीह है और जो अल्लाह से डरते हों उनके लिए हिदायत और नसीहत देखो ऐसी चीजें देखनी चाहिए ऐसी जगहों को विजिट भी करना करें जहां से अंदाजा हो मगर ये नहीं है कि जाहिर पता पसंदीदा नहीं है कि वहां रुका जाए लेकिन उनसे नतीजा اخذ करना उनसे लेसन लेना बेहद जरूरी है और अल्लाह ताला को पता था कि इंसान जब चीज देखता है तो उसको बात ज्यादा समझ आती है तो उनसे इबरत पकड़ना बहर बहुत जरूरी है दिल दिलचस्ता ना हो ये मुझे बहुत प्यारी आयात लगी मैंने इसको पढ़ा मैंने इसको बार बार पढ़ा और बहुत दफा मैं पढ़ती हूँ अल्लाह ताला इतने प्यारे लगते हैं, हैं कि इंसान क्या होता है गिल्ट का शिकार होता है दुखी होता है, होता है है और उसको खौफ आ हाथ हिम्मत नहीं हार छोड़ो बल्कि दिल दिलचिकता ना हो और गम नहीं करो तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो और दुनियावी चाहे दुनियावी मिस्टेक्स होती हैं वो लीड करती हैं सक्सेस की तरफ ठीक है ना तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतनी तकलीफ ना हो कि इंसान फिर दोबारा उठने का सोचे ही नहीं okay. तुम बस तुम्हें मिलेगा। तुम्हें चोट लगी है, तो तो है। कितना प्यारा अंदाज है अल्लाह का ना कि हम अपने बच्चों से हैं कोई बात नहीं बेटे ऐसा तो होता है ना तो आप देखिए हमें भी कह रहे हैं ये तो जमाने के नशीबो फराज हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं तुम पर ये वक्त अल्लाह ताला इसलिए इसलिए लाया गया कि अल्लाह ये देखना चाहता था कि तुम में सच्चे मोमिन कौन हैं और उन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वाकई रास्ते के गवाह हूँ क्योंकि जालिम लोग अल्लाह को पसंद नहीं है और मुझे इतनी प्यारी याद देखिए इतना बड़ा गलत काम हो गया और उसके बावजूद अल्लाह का क्या रिस्पॉन्स है हम लोगों की गलतियों पर कैसे रिएक्ट करते हैं चाहे वो हमारे बच्चे हों चाहे वो हमारे मियाँ हों चाहे वो हमारे इन लॉज चाहे वो हमारे आ, हमारे यू नो गुस्सा रिएक्शन और बस बस क्या आ जाती है अल्लाह तो हमसे इतने प्यार से बात करते हैं और वो इतने बड़े लोग थे उनसे गलती कैसे होगी अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं हो जाता है एक तो एक ढारस बनाई है और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उसकी हिकमत बताई है आजमाइश अल्लाह की तरफ से क्यों आती है इसको समझना बहुत जरूरी है एक तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बात आपको हजारों दफा सुनने मिलेगी कि जहां किसी बंदे के ऊपर मुश्किल आई जहां किसी बंदे के ऊपर कोई तकलीफ आई कोई परेशानी आई हम फौरन कहते हैं भाई तुम्हारे गुनाहों की है I myself have faced this. तो मैं इसको अच्छी तरह जानती हूँ कि एक बंदा जो इतनी मुश्किल से एक फेस कर रहा है एक मुश्किल को आप जाकर उसको ये खुशखबरी सुना देते हैं कि तुम्हें तो दुनिया में ही सजा मिल रही है Just think about it कि उस बंदे के लिए अल्लाह ताला तो नहीं कह रहे अल्लाह ताला हिकमत फिर अल्लाह को क्या मैं अल्लाह ताला के बंदों को मुश्किल में डालना चाहते थे अल्लाह तला ने उस सवाल का जवाब दिया कि नहीं अल्लाह ताला इंसानों को आजमाइश इसलिए करते हैं कि तो के नशीबो फराज है हम आज ये बंदा है एंड व्हेन यू लुक इन दिस वे हमें नजर आता है कि हर सिर्फ मुझे लगता है मैं ही मुश्किल में हूं मुझे ही गुनाह मिल रहा है मुझे ही सजा लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ हो रहा है तो ये सब कुछ होता है लेकिन अल्लाह ताला ये क्यों करते हैं क्योंकि ये आजमाइशें जो है वो अल्लाह का टेस्ट है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को तो बनाया ही इम्तिहान गाह थी ना यहाँ तो टेस्ट ही होना था यहाँ पर हम एंजॉय करने तो नहीं आए थे ये कोई कैफेटेरिया तो नहीं है यहाँ तो हम बैठेंगे हमसे सी अल्लाह ताला अच्छा हम सब जो दावा कर रहे हैं ईमान का तो अल्लाह ताला, ताला हमें असेस कर रहे हैं हम एग्जामिनेशन सेंटर में और देखने में हर किसी को लगता है मेरा वाला पेपर मुश्किल है आपने पेपर किए हैं कभी लगता है केमिस्ट्री मुश्किल है फिर जब फिजिक्स करते हैं ये इतना मुश्किल है उफ फिर उनाटमी करते हैं वो इतना मुश्किल है इवन इंग्लिश का पेपर भी मुश्किल लगने लग जाता है उर्दू का पेपर कितना मुश्किल लगता है उसके लिए हमें जब तशरीहें याद करनी होती है तो हर हरी टेस्ट मुश्किल है तो ये नहीं समझना की अल्लाह ताला शायद मतलब पता नहीं मुझे ही क्यों अल्लाह ने दे दिया टेस्ट है तो मुश्किल तो होगा लेकिन ये टेस्ट भी होगा क्योंकि आए तो आजमाए जाने के लिए दुनिया में थे ना और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला चाहते थे कि छांट लें के जो वाकई रास्ते के गवाह हो अब इसकी मिसाल में आपने कभी अगर गोल्ड बनते हुए देखा हो तो उसको तपाया जाता है आग में उसको क्यों तपाया जाता है ताकि वो कुंदन उसमें से जितना खोट है जो उसकी कमजोरियां हैं जो उसमें अलाइशे हैं वो निकाल दी जाए और वो बंदा पुख्ता बिल्कुल ठोस गोल्ड बन जाता है फिर वो तो यही वो मकसद है अल्लाह ताला की आजमाइशों का और आप देखिए कि जब अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम से सल्लम को आजमाया आप जख्मी हुए आप सल्लम का खून मुबारक बहा तो क्या मैं और आप हमको अल्लाह ताला सर्टिफिकेट लाएंगे हमें कोई मट्टी भी ना टच होगी हमें कोई ठंडी हवा भी नहीं लगेगी ऐसा कैसे हो सकता है तो सबके साथ होता है ये बस अल्लाह ताला हमें एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे होते हैं हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है और आपको पता है कि ट्रेनिंग जो है उसमें कंट्रोल चेक और ये सब होते हैं बच्चे को हम सिखाते हैं हम कल ही में किसी से बच्चों के बारे में बात करी थी तो मैंने कहा ठीक है आप उनको नहीं खाना बाकी सब खा लेना है ना तो ट्रेनिंग है कुछ चीजों में आपको नो बोलना पड़ता है कुछ लिमिट्स लगानी पड़ती है उसमें सख्ती आती है अच्छा नहीं भी लगता है तो वो तो करना पड़ेगा तो ये तो अल्लाह तरीके कार है और बिल्कुल अप्रोप्रिएट बिल्कुल लॉजिकल सिस्टम है इसमें अल्लाह ताला से होप को लूज नहीं करना चाहिए किसी को मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि किसी को ये खबरें लिटरली आई कैन फील कि जब कोई आपको फोन करके कहे कि अपने गुनाहों की माफी मांगो ये तो तुम्हारे गुनाहों की सजा है तो आई कैन इट है लेकिन मैं आज भी इसको फील करती हूँ तो मुझे रोना आता है

एग्जाम पास नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते ये वाला एग्जाम करेंगे तो ये लेवल है ये फेलोशिप मिलेगी ये करेंगे तो मेंबरशिप मिलेगी ये मिलेंगे तो फलाना डिप्लो, डिप्लोमा मिलेगा तो ये तो एक तो ये बिल्कुल इज दैट अल्लाह ताला के मामले में हम अजीब से बातें शुरू करके क्यों कर देते हैं क्योंकि आगे फरमाते हैं और वो इस आजमाइश के जरिए से मोमिनों को अलग छाट कर काफिलों की सरखूबी कर देना चाहता था क्या तुमने ये समझ रखा है की यूनियन में चले जाओगे बताओ क्या तुम्हें ऐसे मिल सकता है मैं अपनी बच्ची को कोई भी चीज देती हूँ बेटा कुछ तो करोगे ना यार ऐसा तो नहीं होगा तो हम करते हैं ना यू ही जन्नत में चले जाओगे हालांकि अभी तो अल्लाह ने ये देखा ही नहीं कि तुम में कौन है वो लोग जो उसकी राह में जान लड़ाने वाले हैं और उसकी खातिर सब्र करने वाले हैं तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे मगर ये उस वक्त की बात थी जब मौत सामने नहीं आई थी लो अब वो तुम्हारे सामने आ गई और तुमने उसे आंखों से देख लिया थे ना दावे तो चलो अब करके दिखाओ आप देखिए ये ना मुझे मुझे लगता है कि अल्लाह ताला मुझे खड़ा कर रहे हैं अल्लाह ताला मुझे रहे हैं, लो तुमने भी तो किया था, मतलब हम बात करते हैं ना इट्स डायलॉग नाराजगी नहीं है अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं कि खड़े हो ना तुमने यही मांगा था अब करो और बहरल मुनाफिकीन को अल्लाह ने उनका चेहरा भी दिखाया है अब जब तुम्हें पढ़ा तो तुम्हें मुश्किल हो रहा है मोहम्मद इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं उससे पहले उनसे पहले और रसूल भी और रसूल भी गुजर चुके हैं फिर क्या अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे याद रखो जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं करेगा अलबत्त जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे उन्हें वो उसकी जजा देगा ये भी एक अलग ही तरह का टेस्ट था और बड़ा अहम टेस्ट था आपको पता है कि नबी करीम चूंकि वो घाटी में नीचे गिर गए गढ़े में गिर गए और कुछ टाइम के लिए कुछ पता नहीं चल रहा था किसी को तो लोगों ने यह खबर मशहूर करनी शुरू कर दी कि नबी करीम नाजुल शहीद हो गए लेकिन अल्लाह का उसमें उसमें भी एक टेस्ट वो टेस्ट क्या था उससे क्या हुआ कि जो लोग नबी क़रीम से, से तो तो अल्लाह की तो इबादत करते हो और ये है ये था वो ईमान बाजों का हमारे साथ भी होता है हम कुछ लोगों के साथ इतने अटैच हो जाते हैं वो हट जाते हैं तो हमें लगता है सारा दिन ही खत्म हो गया सारी जिंदगी खत्म हो गई अब हम क्या करेंगे ऐसा कुछ नहीं है हम अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह ताला मौजूद है और आपको याद होगा कि कुछ रिवायात में ऐसा आता है कि ये हजरत नबी करीम का जब इंतकाल हुआ है और हजरत ब्रशद्दी जब ये वाली आयात पढ़ते हैं तो उसकी इस, नो इस, कि इसकी रवायात के बारे में मुख्तलि लोगों के ओपिनियंस हैं महदसिन के लेकिन बहरल की बड़ा इमोशनल वाक़ बात समझ आती है कि हजरबीक ने बढ़ा कि अल्लाह तो नहीं इंतकाल फरमाते ना अल्लाह तला तो हमेशा से हमेशा रहेंगे हम सब को अपनी नीयतें ये जो आजमाइश है ना और होता ये कि जो सहारे जिनसे हमारी के साथ फोकस करें कोई जी रूह अल्लाह के इस दिन के बगैर नहीं मर सकता मौत का वक्त तो लिखा हुआ है जो शख्स हमारे दुनिया के इरादे से काम करेगा उसको हम दुनिया में ही दे देंगे ठीक है मरने के डर से जन्नत की कोशिश नहीं करना या करना दुनिया में करोगे तो दुनिया में मिलेगा और जो स्वाब आखिरत के इरादे से काम करेगा वो आखिरत का सवाब पाएगा और शुक्र करने वालों को हम उनकी जजा जरूर अता करेंगे इससे पहले कितने ही ऐसे नबी कितने ही नबी ऐसे गुजर चुके हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से खुदा परस्तों ने जंग की अल्लाह की राह में जो मुसीबतें उन पर पड़ी उनसे वो दिलचिका नहीं हुए उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई वो बातिल के आगे वोनगु नहीं हुए ऐसे हिसाब को अल्लाह ताला पसंद करते हैं एक बात ये मैं यहाँ पे जरूर रखूंगी कि बाजा जब अल्लाह के दिन की बात करते हैं और उसमें फिर जब किताल और जंगों की बात आते हैं तो हमें लगता है कि बस ये वाली आयतें निकल जाए कहीं से अच्छा ये तो नहीं था ये तो यूं था यूं था वो था और ये काम जरूरी तो नहीं है और मतलब जरूर... इस तरह की बहुत सारी हमें डर लगने लगते। कहीं हमें लड़ने की और जहाद की और ऐसी खतरनाक बातें हमसे ना हो जाए लेकिन अल्लाह ताला ने तो कहा है कि ये बहरहाल ऐसा काम है कि अल्लाह ताला बहुत सारे नबियों के साथ हुआ ये कोई पहली दफा नबी करीम को भी लोग ताना दिया करते थे नावुल्ल्ला के आप आपलम तो बड़े अल्लाह के दाई हैं और देखो जंगे कर रहे हैं तो अल्लाह तला ने कहा कि जब अल्लाह के दुनिया काम होगा तो उसकी एक्सट्रीम ये होगी लेकिन करने का काम क्या है कि अल्लाह के रसो को तो क्या क्या कितनी जंगे नबी यकरीम वल्लम की जिंदगी में हुई है तो बात ये समझ आती है कि दिल शिकस्ता नहीं होना बस और कमजोरी नहीं दिखाना से चीजों को कंटिन्यू करें उस रस्ते पे जैसा बड़ा और छोटा मुारका आता है आजमाइश आती है उस तो इस तकाम से चलते रहे उनकी दुआ बस ये थी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आजमाइशों के नतीजे में जो जो चीज समझ आती है जो हेल्प करती है चीज वो ये कि एक तो हमारा ईमान एक हमारा अकीदा हमारी एक इमोशनल स्ट्रेंथ इन द फॉर्म ऑफ सब्र और उसके बाद फिर दुआ ये दुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और आप देखिए कितनी प्यारी दुआ है कि उनकी दुआ बस ये थी कि इसको अंडरलाइन कर लीजिए कुरान की एक और बहुत प्यारी दुआ है देखिए दुआ का आगाज क्या हो रहा है कि रब फिर लना दुनू बना ठीक है अल्लाह ताला हमने जो जो कोताहियां की हैं जो हमसे गलतियां हुई हैं इन सारे कामों में हम ज़ाहिर सी बात है कमजोर हैं तो हम गड़बड़ी तो करेंगे तो आप उनसे माफी दे दीजिए और कुछ चीजें तजावुज भी होगा हमारी लिमिट्स थी हमने उसे क्रॉस किया हमने ज्यादतियां भी कर दी होंगी तो वह इस ना तीसरी बात क्या है वह सब अकदाम और अब हमें इस्तकामत जो मिलेगी नेकी के रस्ते पर वो आप देंगे तो आप हमें वो इस्तकामत दे दीजिए वं सुर और असल में फतेह जो है काफिरों पर वो तो अल्लाह की मदद के बगैर आ ही नहीं सकती मैं सब कुछ कर लूँ अल्लाह ताला की मदद नहीं हो अल्लाह की मर्जी नहीं हो तो फता नहीं मिलेगी तो कोशिशों के अंदर नतीजा जो है वो अल्लाह की रजा से अल्लाह की मदद से आता है तो ये सब कुछ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मांगेंगे ये ना हो कि ये वाला सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे वो वाला काम कर लेंगे वो वाले हम सब हमारा वसाइल पर सारा भरोसा होता है अल्लाह ताला कह रहे अल्लाह से मांगो हर चीज वसाइल से लेकर एवरीथिंग उसके बाद है कि आखिरकार अल्लाह ने उनको दुनिया का सवाब भी दिया और इससे बेहतर आखिरत में भी अदा किया अल्लाह को ऐसे ही नेक लोग पसंद है ठीक है तो अल्लाह ताला दुनिया भी देते हैं और आखिरत भी देते हैं ये लोगों जो ईमान लाए हो अगर तुम उन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफर की राय इख्तियार की है तो वो तुमको उल्टा फिर फिर ले जाएंगे और तुम नामुराद हो जाओगे उनकी बातें गलत हैं हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हारा हामी मददगार है और वो बेहतरीन मदद करने वाला है अन करीब वो वक्त आने वाला है जब हम मुनकरी ने हक के दिलों में रोब बिठा देंगे इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में शरीक ठहराया है जिनकी शरीक होने पर अल्लाह ने कोई सनत नाजिल नहीं की उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है और बहुत ही बुरी है वो क्याम जालिमों को नसीब होगी एक चीज सिर्फ छोटी सी बात कि आप देखिए कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने यह खुशखबरी सुनाई थी ये पेशन गोई की थी ये वादा किया था उस वक्त के हालात और जिस वक्त ये आयतें नाजिल होंगी तो जो कमजोर दिल वाले तो यकीन भी नहीं आ रहा होगा इतनी बुरी शिकस्त हुई है अभी तो हम अपने लोगों को तदफीन कर रहे हैं। सत्तर शोहदा की और पर हमें नजर आता है कि जब इस पर मुफसरी ने इतनी बात की है कि गजा और जो भी सूरत हालती है मुसलमान इतने वीक थे लेकिन अचानक से मतलब बिल्कुल ऐसा वक्त था कि अगर वो चाहते तो वो कलम कल कर सकते थे लेकिन क्या हुआ कि जो काफिरों का सरदार था उसके दिल में क्या अल्लाह ने रोब उठाया वो अपने लश्करों को बीच जीत में से लेकर निकल गया कभी ऐसा हो सकता है हालांकि वही थोड़ी देर पहले उनको पलटा के लाया था और अब वही उनको फतेह से फायदा उठाने के बजाय वो उनको लेके चला गया तो ये वो रोब है जो अल्लाह तला डालेंगे और ये अल्लाह तला की कहां कहां से कैसी कैसी मदद आती है सिर्फ अल्लाह के ऊपर यकीन की जरूरत है अल्लाह ने नुसरत और का जो वादा तुमसे किया था वो तो उसने पूरा कर दिया अब्तदा में उसके से तुम ही उनको कत्ल कर रहे थे मगर जब तुमने कमजोरी दिखाई और अपने काम में बाहम इख्तलाफ किया ठीक है हमें अपनी अपनी कमजोरियां ये हैं हमारी और जूही की वो चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे या माने मान तो तुम अपने सरदार की हुक्म की खिलाफ वर्जी कर बैठे इसलिए तुम में से कुछ लोग दुनिया के ताले थे और कुछ आखिरत की ख्वाहिश रखते थे तब अल्लाह ने तुम्हें काफिलों के मुकाबले में पसपा कर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे और हक ये है कि अल्लाह ने फिर भी तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि मोमिनों पर अल्लाह बड़ी नजर इनायत रखता है ठीक है तो अल्लाह ताला ने फिर बताया तुम्हारी मना क्या था कि लोग थे कुछ लोग थे एक तो लड़ाई अख्तलाफ हुआ डिसीजन को बे नहीं किया गया और जो अल्लाह का रसूल का हुक्म था उसको मानने के बजाय कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि अभी नबी वसलम ने मना किया है और कुछ ने कहा नहीं नहीं अब तो जंग हो गई तो वो जो जो डिस्कशन हुआ उसमें जो इख्तलाफ हुआ और डिसोबीडियंस हुई और दूसरा कि माल की मोहब्बत लेकिन अल्लाह ने कहा कि देखो अजमाया है ये अल्लाह की तरफ से लेकिन माफ पैरल मैंने कर दिया और ये याद रखे वो जो बात मैं पूरे कॉन्टेक्ट में कह रही हूँ कि अजमाने का मतलब अजमा ये नहीं कि अल्लाह ताला बस चाहते हैं कि बस इनको सजाएं मिले ठीक है अजमाना तो अल्लाह ने तो माफ फिर नहीं करते ना याद करो जब तुम भागे जा रहे थे किसी की तरफ पलट कर देखने का खोज तक नहीं था और रसूल तुम्हारे पीछे तुमको पुकार रहा था उस वक्त तुम्हारी रविश का बदला अल्लाह ने तुम्हें यह दिया कि तुमको रंज पर रंज दिए ताकि आइंदा के लिए तुम्हें सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या जो मुसीबत तुम पर नाजिल हो उस पर मलूल ना हो अल्लाह तुम्हारे सब अहकाम अमाल से बाखबर है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिये नबी करीम से पुकार है और लोग पलट उनकी पुकार पर लबैत ना कहें तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि रंज पर रंज ये भी एक बड़ी बात है हमारी कमजोरी की हमारी आजमाइशों का एक रीजन हमारे फेलियर्स का एक रीजन कि जब हम अल्लाह नबी करीम की पुकार पर रिस्पॉन्ड नहीं करते उनके अहकाम पर अः नहीं करते तो रंज क्या था कि एक तो नबी करीम की शहादत की खबर आ गई और उसके बाद जो है वो शिकस्त तो और कत्ल और बहुत सारी चीजें ठीक है तो अल्लाह फरमाया इस पर ऐसी इतमान की हालत तारी कर दी कि वो उंगने लगे और ये एक बड़ी अजीब और, और वो क्या थी कि अल्लाह ताला ने मतलब अबू हजरत अबू तल्ला एक वाक मतलब वो बयान करते हैं मुबसरीन के उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त आया अचानक से हमें इतनी सकून इतना रिलैक्सेशन हो गई एक नींद एक ऐसी ऊँग आई कि हमारे हाथों से तलवारें गिरने लगी और ये एक अजीब बात है और इस बात को गौर करते हुए मैं अल्लाह ताला की कुदरत पर सोच रही थी कि किस तरह अल्लाह ताला एन एन तैदान जंग में नींद और मैदान जंग में नींद जो है वो एक आखिर एंग्जायटी होती है पैनिक होता है सब कुछ खत्म मतलब Uh, नींद तो दूर की बात खाना भूख प्याज सब कुछ गायब हो जाता है रातों की नींद उड़ जाती है वहां एम मैदान जंग में जो है वो अल्लाह की तरफ से ट्रैंक्यूलिटी और ये वो ट्रैंक्यूलिटी है जो अल्लाह ताला देंगे और इससे ये समझ आ रहा है कि अल्लाह ताला किन किन तारों को मैनेज करें किन किन एस्पेक्ट्स को करके कर दिखाया गिरोह था जिसके लिए सारी अहमियत मफाद के लिए थी अल्लाह के मुताल वो तरह तरह के जाहिलाना गुमान करने लगा जो सरासर सर आपके खिलाफ थे और ये लोग अब कहते हैं कि इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है इनसे कहो किसी का कोई हिस्सा नहीं इस काम के सारे अख्तियार अल्लाह के हाथ में है दरअसल ये लोग अपने दिलों में जो बात छुपाए हुए हैं उसे तुम पर जाहिर नहीं करते अब आप देखिए कि दिलों की कैफियत एक के दिलों को अल्लाह ताला किस तरह खुद से सुकून और इतना खड़े हुए पलट कर आए नबी करीम के पास उनके लिए अल्लाह ताला, ताला ने ट्रैक्लिटी दे दी बगैर किसी एनजा के और ये जो लोग हैं वो इनके दिलों में किस तरह के गुमान थे और ये कितनी तकलीफ हो थी इनके कि अजीब परेशानी डिप्रेशन एंगजाइटी और वर्ष तरह के गुमान उनका असल मतलब ये है कि अगर क्यादत के अख्तियार में हमारा कुछ हिस्सा होता तो यहाँ हम नहीं मारे जाते इनसे कह दो कि अगर तुम तो अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वो खुद अपने कत्ल काहों की तरफ निकल आते और ये जो मामला पेश आया है ये तो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में पोशीदा है अल्लाह उसे आजमा ले और जो खोट तुम्हारे दिलों में है उसे छाट कर रख दे अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है तो में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए उनकी का सबब ये था कि उनकी बास कमजोरियों की वजह से शैतान ने उनके कदम मगा दिए अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया और अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बर्फबार है बार बार अल्लाह क्या कह रहे हैं कि वो कमजोरी अल्लाह की कमजोरी वो तुम्हारी अपनी कमजोरियां थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम कोई भी इवेंट करें कोई भी काम करें इवेलुएशन और रिव्यू जरूर होना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और अल्लाह की तरफ से माफी है जब इंसान ने नियत से अच्छे नीत से काम कर लिया तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे ये लोगों जो ईमान लाए हो काफिलों किसी बात है ना करो जिनके अजीज अगर व सफर पर जाते हैं या जंग में शरीक होते हैं वहां किसी हाथ से तो दो चार हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर वो हमारे पास ना होते होते तो ना मारे जाते ना कत्ल होते अल्लाह इस कस्म की बातों को उनके दिलों में हसरत और तो अंदोह का सबब बना देता है वरना दरअसल मारने और जलाने वाला तो अल्लाह ही है और तुम्हारी तमाम हरक़ पर वही निगरान है अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो रहमत और

ये बात अपनी जगह बहुत अहम है कि एहतियात और प्रिकॉशन भी अल्लाह का हुक्म है लेकिन इसमें अब दिलशिक ना हो अल्लाह ताला ने सब कुछ ऐसे ही रखा था जो जो नुकसान हमने इस दौरान उठाया है अल्लाह ताला तब को उन नुकसानों से महफूज रखे मजीद किसी नुकसान से लेकिन ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा ही था और वो जो आजमाइश वाला पहलू है उसको जरूर याद रखिये ए पैमरी अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत मिजाज वाक़ हुए हो वरना अगर कहीं तुम तनखो और दिल होते तो ये सब तुम्हारे गर्दो गर्दोपेज से छट जाते अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की खैर किस बात में है कि जब के वो लोगों के लिए नर्म हो हम सब जरा चेक करें वैसे तो एक मखसूस में नबी करीम से तो बात की लेकिन ये बहुत प्यारी नबी करीम से की मिसाल देकर अल्लाह ताला ने हमें एक आईना दिखाया है लोगों के जहनों में, में मेरा क्या इंप्रेशन है लोग मुझे सख्त समझते हैं बहुत रिजिट समझते हैं बहुत तल्ख समझते हैं तलख लोग कहते हैं बहुत अच्छी लेकिन बात बड़ी तलखी से करती है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिलों की नरमी सिर्फ जबान से नहीं प्यारी बहन ऐसे करके बात तो कर रहे हैं लेकिन दिल में इतनी सख्ती है कि फौरन ही नो कह देते हैं तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लेट एस और ये बात अहम है कि ये आयात इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट इस में नबी करीम लीडर तो एक इमाम तो हम सब भी अपनी जिंदगी में लीडर्स हैं हम बहुत सारी जगहों पर हम लीड करते हैं हम अपने बच्चों को लीड करते हैं हम अपनी फैमिलीज को लीड करते हैं हम अपने रिश्तेदारों को लीड करते हैं हम को लीड करते हैं हम मुख्तनाइजेशन और मुख्तल पोजिशन में हैं जहां पर हम लीडर्स हैं तो जो सबसे और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि इवन हम अपनी अब जिस कम्युनिटी में मैं रह रही हूँ उस कम्युनिटी में आई एम अ लीडर सारे नॉन मुस्लिम्स हैं आई एम वन ऑफ देम एंड आई नो द द रिस्पांसिबिलिटी नाउ आई एम लीडर खैरा उम्मा मैं लीडर हूं। मेरा अपने के साथ कैसा है? से वो मुझे, मुझे नरमी जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसके बाद ताला हैं कि अगर तुम तुनखु हो और संगदिल होते हैं, तो ये सब तुम्हारे गिरदो पे से छट जाते हम कहते हैं लोग बात नहीं सुनते लोग रिस्पॉन्स नहीं करते ये नहीं है वो नहीं है तो इसकी वजह यह कि हम अपने आप को इवेलुएट खुद करें कि वो नरमी है के नहीं है और नबी करीम से जो है ना आ, की बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें जिस नरमी नहीं होती फिर आ, उ, उस हवाले से ना तो इसको थोड़ा सा हमें और गौर करना होगा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके कसूर माफ कर दो सबसे पहली बात इंसानों के साथ माफी का मामला और उनके हक में दुआ मगफिरत और उससे भी बढ़ करके अल्लाह से भी रिक्वेस्ट करो कि इनको माफ करें तुम भी माफ़ करो और अल्लाह से रिक्वेस्ट करो और दीन के काम में उनको शरीके मशवरा रखो फिर उनके जब तुम्हारा आजम किसी राय पर मुस्तकम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है जिस कॉन्टेक्स में सूर्य अहद की बात आ रही थी इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो गई साहब कराम से और सब बड़े शर्मिंदा भी हैं और बड़े दुखी भी हैं अब अल्लाह तला देखें उनको तो कंस्रोल कर रहे थे उनकी जो काउंसलिंग कर रहे थे और उनको जो समझा रहे थे फिर नबी करीम को एज ए लीडर भी समझाया कि तुमने गलती बहुत बड़ी है जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो अब तुमको क्या करना है तुम्हें भी अपने साथियों के साथ अपने साथ के लोगों के साथ उनके कसूरों को माफ कर गलतियां तो होंगी इंसानों से होंगी और सबसे बड़ी बात ये कि उनके से जो काम उनको शरीक किया हुआ है हम बच्चे से कहते आइंदा तुम ये काम नहीं करोगे है ना आइंदा मैं तुमसे ये कभी एक्सपेक्ट नहीं दोस्त को कहा भाई को कहा उसने कहा नहीं अब मैं तुमसे कभी नहीं अल्लाह तह रहे उनसे दीन के कामों में इनको शरीक रखो जो तुम काम कर रहे हो उसको उनमें उनको मशवरा में रखो एक बात जो इससे अगली है कि अल्लाह पर भरोसा रिसोर्सेज पे भरोसा नहीं है हम कहते हैं हाँ मैंने उसको बहुत अच्छी तरह समझा दिया वो सब वो यही करेगा और मुझे यकीन है वो नहीं यकीन तो अल्लाह की जात अल्ला पर है तवक्कल अल्लाह की जात पे सब सबको शामिल करो सारे रिसोर्सेज को अपने साथ रखो कोई भी काम हो रहा है अल्लाह के दिन का काम हो रहा है कोई भी काम हो रहा है सब रिसोर्सेज का इंतजाम करो बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच लेकिन भरोसा अल्लाह की जात पे है अल्लाह तुम्हारी अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं है और वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है बस जो सच्चे मोमिन है उनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए स्पेशली दीन के कामों में बड़े क्रिटिकल मामला होते हैं हम बहुत सारे इवेंट्स प्लान करते हैं कोई कैसा हो जाता है कुछ कैसा नहीं हो जाता तो बस अल्लाह ताला और ये जितनी भी हमारी कोशिशें हैं बात हमें ओवरऑल लगता है कि दीन की इतनी कोशिशें दुनिया में हो रही है एंड में क्या हो रहा है एक्स मुस्लिम की ऑर्गेनाइजेशन बन गई एथिज्म इतना इट्स ओके अल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे अल्लाह ताला की मदद आएगी किसी नबी का ये काम नहीं है के हाजिर हो, जाएगा। फिर हर ये कैसे हो सकता है जो शख्स हमेशा अल्लाह की रजा पर चलने वाला हो वो उस शख्स के से काम करे जो अल्लाह के गज़ा में घिर गया हो और जिसका आखिरी ठिकाना जहनुमो जो बदतरीन ठिकाना है अल्लाह के नजदीक दोनों किस्म के आदमियों में बदरजहा फर्क है और अल्लाह सबके अमाल पर नजर रखता है दर हकीकत एल ईमान पर तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उनके दरमियान खुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगम्बर उठाया जो उसकी आयात उन्हें सुनाता है उनकी जिंदगी को संवारता है और उनको किताब और दिनाई की तालीम देता है हालांकि इससे पहले यही लोग सरी गुमराही में पड़े हुए थे वाक अल्लाह रबीन का इतना बड़ा एहसान है अल्लाह का इतना ज्यादा शुक्र है कि अल्लाह रबूल ने हमारी पैदाइश से पहले नबी करीम पैगम्बर कर भेज दिया बेहतरीन काम किया है कि अल्हमदल अल्लाह के दिन की कोई बात ऐसी नहीं है जो हम तक नहीं पहुंची अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है इस एहसान का शुक्र क्या है इस एहसान का शुक्र यह है कि हम अल्लाह के वसल्लम की उस तालीमात को अपनी जिंदगियों में शामिल करें अपने आप को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसकी कॉपी, कार्बन कॉपी बनाते जाए और अल्लाह के रसोलक्रमल्लम का जो ये काम था लोगों की जिंदगियों का तस्किया करना उनको तालीम देना इस किताब की और दुनिया की जो मुख्तलिफमत है, हैं उन पर गौर करना उन तक पहुँचाना उनसे जोड़ना ये सब अब हमारे करने के काम है अल्लाह रबीन से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह रबीन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहिम अलैहि सलाम की इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी जनरेशंस हमारे साथ इस काम में शामिल हों आमीन सुमा आमीन व आखीरु दमाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और अब हुआ है टाइम हमारी आज की दुआ का तो हम आज अपनी दुआ पढ़ लेते हैं याहाय्यु याकय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين आमीन ए वजात जो सदा जिंदा है और सारी कायनात संभाले हुए है मैं तेरी रहमत ही से फरियाद तलब करता हूँ मेरे तमाम अहवाल की असलाह फरमा और एक पलक झपकने के बराबर भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना फरमा आमीन सो ये बहुत प्यारी दुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इसको जरूर याद करना है और इसको बार बार मांगना है क्योंकि हमें पता है हम आगे भी पढ़ेंगे हम पीछे भी पढ़ेंगे कि नफ्स जो है ना वो इंसान को बुराई की तरफ लेकर आता है और अब हमारा है आज के सोचने की बात आपने करना हैमरान की आयत नंबर 140 142 की रोशनी में गौर करें कि इंसानों पर आजमाइशें क्यों आती हैं और कम से कम तीन नुकात अपनी डायरी में तहरीर करें आपको याद होगा ये या आयत हमने के तनाजर में पढ़ी है इनशाला आप उसको ढूंढेंगे और आपने सबक बहुत कुछ सीखा भी होगा इनशाला तमें इस पर गौर करने की और इसके हवाले से अपने जहन को सही करने की तोहफी कत फरमाए और आखिर में याद दहानी है आज की कोस की इनशाला आज जो जो फोर्थ बोपारा जो है उसका आप लोगों को कोई इनशाला शेयर कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपके जौक और इस शौक को कबूल फरमाए उसके दीन को सीखने की أعوذ برحمة کرنے آمين سم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التوّاب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمین